होंड बड़ी लगती फिकर तेरी तनी पई नी कोई दिल जीत ना गाना कर लैनी मॉडल बनी पई नी लगदा मिक्स करिए रब ने हाय ऐश करी नानी नी लग तेरे पतले वास्ते बनिया टॉमी दिया जीना नी नी लग तेरे पतले वास्ते बनिया टॉमी दिया जीना नी नी लग तेरे पतले वास्ते बनिया इंस्टा हो गया ओवरलोड फोटवां चकवियां चकवियां पाउंदी ठुकदा लाइक ते कुड़िए लाइक स्लोमो विच तू क्लिप जादे पाउंदी इंस्टा हो गया ओवरलोड फोटवां चकवियां चकवियां पाउंदी ठुकदा लाइक ते कुड़िए लाइक स्लोमो विच तू क्लिप जादे पाउंदी खुले छड वाल सूट दे नाल शॉल पश्मीना नी पतले वास्ते बनिया टॉमी दिया जीना नी निलक तेरे पतले वास्ते बनिया टॉमी दिया जीना नी निलक तेरे पतले वास्ते बनिया टॉमी दिया जीना नी निलक तेरे पतले वास्ते बनिया बेबी मुझे पता है मेरे घर वाले मानेंगे नहीं बगा लूं भगा लेगा ओ सोनम इस वक्त कहाँ जा रही है सॉरी ओ सॉरी तो ठीक है पर ओ नहीं नहीं मैडम जी सॉरी नहीं ससुराल और आपने सुबह से पहले फोन नहीं करना मेरे ससुराल ओके बी अ गुड टीचर सोनम माता मैं हूँ मैं लड़की उठा लाया हूँ इसके घर वाले कैसे मान गए नहीं अभी घर वालों को नहीं पता चला हॉस्टल से उठाई है माँ सदके ये तो बड़ा अच्छा काम किया तूने रब तुझे खुश रखे लंबी उम्र दे तू रुक एक मिनट मैं अभी आई हूँ मैंने कहा जी उठो अपना चढ़ता लड़की उठा लाया मैं तो खुशी से फूली नहीं समा रही मैं मर जाऊं तेरी लेग्स तो बड़ी सुंदर है पानी वार बने की माँ बना बनी बाहर खड़े बड़ी मन तो चाय पकड़ अरे इधर है हाय रब्बा ये क्या कर रहा है इसमें कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया वो अपनी शादी के सपने देख रहा है कुंवारा मार कान पे खींच के ये क्या माता उन्होंने बोला मुझे मेरा सामान कहाँ है सामान जला दिया मैंने चूल्हे में नर्सिंग होम समझ के लाया था ना सामान ओए ओए अब तो उसके सपने देखने छोड़ दे कुंवारा कुंवारा क्या बुलाते यार मुझे तो क्या डॉक्टर बोलूं तुझे सारा गाँव बोलता है बेटा ये बेचारा अकेले थोड़ी ना बोल रहा है ले पकड़ मुझे अकेले में थोड़ी ना कमी है आप जमीन थोड़ी ज्यादा बना लेते मुझे भी तो मिली कम जमीन में इतनी सुंदर बीवी बस यही तुम्हारी नई ब्याही जोड़ी की हरकतें देख के लोगों को लगता है कि चढ़ता तो भी बच्चा ही है बेचारा हाँ तेरे तो लंगोट सूखते हैं कहीं ओए 45 मुर्गे थे मेरे पास 8 रह गए हैं 37 खिला दिए तुझे देखने वालों को कहीं मुझे खुद कोई काट के परोसना ना पड़ जाए अब सुन ध्यान से एक रिश्ता आया है ये ग्लास पकड़ना माता ले देख ले इसे कब से फालतू की बातें कर रहे हो दिखाने वाली चीज नहीं दिखाते छत पर बैठे कबूतर से अच्छी हाथ में आई चिड़िया होती है सुंदर तो है नहीं हाँ हाँ दीपिका से बात करता हूँ आपको भी तो इतनी सुंदर बीवी मिली थी ना मैंने भी मिल जाएगी एक दिन वो तो बेटा ऐसा है कि ये भी बहुत सुंदर है ना इसलिए मिली है हाँ गांव वालों की छोड़ो मेरे तो घर वाले भी मुझे ताने मारते हैं और मैंने नहीं पीनी चाय ओए 12 बजे आएंगे लड़की वाले कपड़े जरा ढंग के पहनना
सासरीकाल जी, सासरीकाल जी। ला यहाँ रख। ये है लड़का। 11 एकड़ जमीन है और वेडिंग फोटोग्राफी का काम है जी, 18,000 कमा लेता है। देखो जी, अच्छी पार्टी मिल जाए ना तो 20-21,000 बन जाते हैं, फिर शगुन भी देते हैं लोग खुश होके। बाकी शादी से पहले जो वो जोड़े की फोटो खींचते हैं ना, वो प्री वेडिंग फोटो शूट, वो तो फोटो बहुत बढ़िया डिजाइन बना बना के खींचता है। दिखा पुत्र जरा। जी मैंने एक शादी में लड़की ऑर्केस्ट्रा वाली बनाई थी और लड़का शराबी, और उससे पिछली शादी में लड़की को चिड़िया बनाया था और लड़के को कौआ। उनकी एक लव स्टोरी सी दिखाई थी जी मैंने। आना जरा वॉशरूम हो आते हैं। ओ बस कर आ जा अब। कैसा लगा भाई? ओए मुर्गा तो टेस्टी था। ओ लड़का तो सुंदर है भाई, और घर बार भी बढ़िया है। इसका रिश्ता तो अब तक पक्का फिक्स हो जाना चाहिए था जी, चक्कर तो कुछ और ही लगता है। ओए हाँ, मुझे भी यही लगता है, कुछ तो छुपा रहे हैं ये लोग। ये सब मेरे घर पिकनिक मनाने आते हैं, खा के मुर्गा पी के लीटर की बोतल चलते बने। ओ क्या पता वो आपस में बात करके बताया हमें। आप हमेशा नेगेटिव मत सोचा करो, हर बात में नेगेटिव है मेरा फादर। 500 का शगुन डालते अगर उन्हें तू पसंद आता, और तू प्लेट रख के बैठ के पैरी पना नहीं करना था, और लड़कियों जैसे शर्म आता है कबूतर कहीं का। ओए हद है यार आपकी, हैं शगुन क्या मैं नाच के मांगू? टेन 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 टेन। हाय, आज फिर एक बेटे जैसा मुर्गा खिला दिया इन घटिया लोगों को। जो आज कटा वो तो बड़ा ही अच्छा था, सुसु पार्टी भी बाहर जाके करता था। और वही चढ़ते हैं। ओए हो गया रिश्ता, मैंने सोचा भाई को बधाइयां दे आए। चल बेटा बैठ जा पापू के पास। आ जा पुत्र। कैसा है बेटा, क्या हाल है, सब ठीक है? इस तरह उदास हो क्यों बैठा है, बात नहीं बनी? एक बात कहता हूँ, आप बुरा मत मानना कसम से। चचा आपने 45 चूजे रखे थे, 45 के 45 मुर्गे निकल गए। बात बिल्कुल साफ है, जब 45 मुर्गों को एक मुर्गी नहीं मिली तो फिर तू किस उम्मीद से है। चल चाचा को सत श्री अकाल बोल दे जरा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल ताई जी, क्या हाल है? रहने दे तो हालचाल पूछना, गांव में अफवाह फैल जाएगी। इतने सालों से तू लगा हुआ है चढ़ता, एक लड़की ने घास नहीं डाली तुझे तो जैसे कुवारों को तो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। नो भाई, मैं नहीं तुमसे बोलती। हो तू अपनी उम्र तो देख लेता ही। ले कुवारे आदमी का क्या भरोसा है, भूखा कौन सा बासी ताजा देखता है। वैसे किसी को भी पता नहीं चलेगा, बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। हाय मैं मर गई। ओ ताई। ओ बले। अशरफ अली, अशरफ अली। इतनी सुंदर जोड़ी भगवान ने पता नहीं बना कैसे दी, बड़ी कमाल की जोड़ी है जी आपकी। बहन जी अब आप ऐसे करो, दोनों हाथ ऐसे करो, यहाँ पे ना भाई साहब की फोटो आएगी बड़ी सोनी, और परछाई जी इस तरफ आपकी फोटो आएगी जी। हाथ थोड़े से और खोल लो, नहीं तो भाई साहब ना फिट नहीं होंगे। हाँ जी रेडी। सूट का कलर बहुत सुंदर है, फोटो बहुत अच्छी आएंगी। जाओ जी दूल्हे को लेकर आओ। दूल्हा ही है उस्ताद जी। यही है दूल्हा। हाँ। मुझे ना ऐसे किसी दिन हार्ट अटैक आ जाना है, घोड़ों की नहीं मिलती है घास और यहाँ गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। ओ भाई साहब। वीरे जिसने रिश्ता कराया उसका नंबर दो ना। मामी ने रिश्ता करवाया, मामी की बहन की लड़की है। मामी तो बड़ी चलाक निकली यार। है चलो अपना ना 1947 की बंटवारे वाली थीम है वो। हाँ। गदर फिल्म वाली। हाँ बस सारा हिसाब अच्छा, वही है वो। लाल ट्रेन पकड़ा दो इनको। हाँ जी। और सारे लोग आ जाओ इधर। ओ भाई हमारी पेमेंट कर दो, हमने दूजी शादी के शूट पे भी जाना है। लो जी कर लो बात, सारी दुनिया की शादियां हो रही हैं। दे इनको 400-400 रुपए। और उन कुड़ियों को 600-600 दे देना। क्या नाम जी आपका?
किसकी बेटी हो? ओ बेटी जिसकी भी हो वो घराली मेरी है। ये लो पाजी। उस्ताद ये 12 हैं, पहले ही जोड़ियों में आते हैं, इनमें से मत ढूंढना। शुरू शुरू में बहुत रिश्ते आते थे जलंधर, मैं ही उस कॉलेज वाले के चक्कर में मना कर गया। फिर मैंने एक दिन सोचा कि उसके तो बच्चा भी हो गया और उसने उसका नाम तो चढ़ता भी नहीं रखा, उस कमीनी को तो मेरी पड़ी ही नहीं है। अब जब मैंने शादी का मन बनाया तो अब कोई रिश्ता ही नहीं है यार। अब तो वो हिसाब है भाई, सारी सब्जी बिकने के बाद रेडी पे जो रिजेक्टेड सामान नहीं रह जाता कि 20 रुपए में सारी रेडी, ऐसे रिश्ते आते हैं जी। वो भी बहन के भाई कहते कि तेरे को लड़की नहीं देनी हमने। उस्ताद तुम किसी ज्योतिष को दिखाओ। जाओ काम कर, ज्योतिष को दिखा। ओ, मैं नहीं मानता किसी ज्योतिष ज्योतिष को। उस्ताद कई बार ग्रह ढीले होते हैं। हाँ तो ज्योतिषी पेचकस लेके बैठा ग्रह को टाइट करने को। आया बड़ा, ज्योतिष को दिखाओ। ओ जी ना तो मेरी जानवर से शादी हो सकती है, ना ही पीपल से, ना ही हमारे पास नारियल के पेड़ लगे जी तोड़ तोड़ के नदी में बहाते रहे। कोई और उपाय है तो दसो जी। तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। पर क्यों जी? पिछले जन्म में 365 शादियां की थी, राजा थे तुम और 365 रानियां थी तुम्हारी, और उन सबसे तुम बहुत दुखी थे क्योंकि पिछले जन्म में तुम्हारी 365 शादियां हो चुकी है, इसीलिए तुम्हारी आज ये हालत है और ये तुम्हारा ही किया धरा है। और तुमने वचन लिया था कि आने वाले 7 जन्मों तक मैं शादी नहीं करूंगा। पक्की बात है? एकदम पक्की। देखो सर जी, मैं जलंधर के कहने पे आ तो गया लेकिन मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करता। बाकी आप पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा दम है आपकी बात में। हो सकता मैं पिछले जन्म में राजा हूं, 365 रानियां हो सकती हैं, 150-200 बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी शादी नहीं होगी ये बात तो गलत है। वो अगर मैं राजा था, दुखी था, तो मैं सबको जेल में ना डाल देता 365 को? मैं अगले 7 जन्म का बेड़ा गर्क क्यों कराता? मुझे जलंधर बता चुका है कि तुम्हें 37 लड़की वालों ने ठुकराया है। जी कल का मिला के 38। ओए तूने मेरा स्टैंड उठाना कि इसकी अगरबत्तियां हैं? ओ काका तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, योग नहीं है तुम्हारे। अगर हो गई फिर? ओ भूल जाओ। हाँ तुम बजा लो जितनी बजानी है घंटियां। हाँ भाई रास्ते में है, बस आ रहे हैं। ओ तुम भूल जाओ, बस आ रहे हैं यार, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। 1 महीने में करके रहूंगा। ओ कोई नहीं, खुश रहो। आपकी भी शादी नहीं हो रही जी? ये कौन है? हम मिलके कर लेंगे ना जी कोई उपाय। और चल उस्ताद जूते पड़ेंगे नहीं तो। महीने में चल। एनआरआईज की शादी थी ना? हाँ। यहाँ तो अजीब सी लड़ियां लगी हैं। ऐसे पूछो। हेलो मिल्ला सिंह, वो गांव में जो एनआरआईज की शादी वो यही है? हाँ जी यही है जी, बाहर से तो 20-30 आदमी आए हैं, बाकी मैंने इकट्ठे किए हैं रौनक शौनक के लिए। भाई शूटिंग का डांस, भंगड़ा, गिद्दा, शादी क्रियाक्रम, ज्योतिष, हर तरह के बंदे अपने पास। हमें किसी वेडिंग प्लानर ने बुलाया यहाँ पर। भाई वही तो है मैनेजर यहाँ की। मेला कहाँ थे तुम और तुम्हारे लोग कहाँ हैं? ठंडा भी नहीं पीने देती, नाक में दम कर। यार इसे देख के दिल में वो बज रहा है यार, गिटार। लो गिटार, मैं कोई पेरिस में घूम रहा हूँ और ट्रम्पेट बज रहा है। पै 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 पै। आजा। बस बस अब नहीं आएंगी चीटियाँ, परफेक्ट है। ठीक है। और कौवे, उड़ते हुए पक्षी, कौवे, चिड़िया, तोते, कबूतर, ये आपकी सारी की सारी मिठाइयाँ तो यूं खत्म हो जाएंगी जैसे कुंवारे आदमी की जिंदगी से लड़कियां गायब हो जाती हैं। ताद अपनी मशहूरी करनी जरूरी है। आप छड़ी लेकर बैठो, कोई भी पक्षी आए आप उसे उड़ा देना। पर मुझे तो लड़के का ताया बनाया था। कोई ना, ताऊ मैं किसी और को बनाऊंगी, आप बैठो यहाँ। सुन गगन, इनके कपड़े चेंज करवा दो, एक भी बंदा मुझे पैंट शर्ट में नहीं दिखना चाहिए।
इट्स अ थीम वेडिंग। हाँ जी। वैसे एक और उपाय भी है जी, इनके पायों के नीचे ना पानी की कटोरिया रखवा दो जी। मुझे पता चींटियां रॉक क्लाइंबिंग तो जानती हैं जी, पर स्विमिंग नहीं जानती जी। वो आप तो जानते हो ताऊ जी, गांव में हम ऐसे ही करते हैं। ओ बेटा, मैं फुफड़ हूँ, ताया नहीं। ओ ताया तो मैं हूँ भाई, पर ये हमारी सुनती है। जो हमें लेकर आया था उसने कहा था इसकी हाँ में हाँ मिलाना, सो हम मिला रहे हैं। अगर शादी में अर्थी उठाने के लिए कहेगी वो भी उठा देंगे सानू की। हाँ ठीक है। मैंने किसी की भी सलाह नहीं मांगी है, और तू ऐसी बातें कान में बताया कर। अरे कान में बताया कर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चाणपंती नहीं। हाँ जी। समझ गए? हाँ जी, आप ना कटोरिया पाँव के नीचे रख दो। इसे कुछ आता नहीं और मेरे को कहीं का छोड़ेगी नहीं। उस्ताद तुम्हें कोई संतरे की टॉफी नहीं देता, और तुम चाहते हो सिल्क डेरी मिल जाए तुमको। कैमरा। बाबे लड्डू उठाओ नीचे ले जाओ। एहे, ये खाने के लिए बना के झूला देने के लिए? उठाओ लड्डू। हाँ जी, अब फंदा डालेंगे जी। फंदा नहीं, गला पहना। Are you sure? हाँ जी, कौन बनेगा करोड़पति जी, इसे लॉक कर दो, इसे गला पहना कहते हैं जी। मैं तो मजाक कर रही थी, इस रस्म को गला पहना कहते हैं। सी, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है, पिंड वालों को भी नहीं पता है। बुलाया तो शादी देखने था, ये तो बेइज्जती करने लगी। हाँ? कुछ लोग शादी को फंदा समझते हैं, इसीलिए मैंने कहा था। पर उन लोगों को क्या पता कि शादी एक खूबसूरत एहसास है, दो रूहों का मेल है। सारे रिश्ते रब खुद फिक्स करके भेजता है, बस ये एक रिश्ता हम पर छोड़ दिया, अपना साथी चुनने का हमें हक दे दिया। ब्यूटीफुल। खाए थे लड्डू, जन्मे थे डड्डू। तुम्हें इतना कैसे पता शादी के रीति रिवाजों का? इसकी शादी नहीं हुई जी। इसको तो बहुत शौक है शादी करवाने का, इसीलिए तो हर एक चीज ऐसे ऐसे रटी हुई है। हसलो जी हसलो, जलंधर ने जोक क्रैक किया। ये तो बहुत ही फनी है जी। वैसे शादी तो जी दो दिनों का मिलाप होता है जी, अब दूसरा दिल मिले तभी तो बात बनती है ना जी। अब अकेला दिल आपस में कैसे मेल मिलाप करे जी। और मैंने देखा जी, इस फीलिंग का आपको जितना पता है ना जी, इतना तो किसी शादीशुदा को ही पता हो सकता है। आपकी शादी हो गई जी? इतनी फ्रैंकनेस अच्छी नहीं है। ओ नहीं, मेरा मतलब फोटोग्राफी तो मैं ही करूंगा जी। जिसके लिए आया है पहले उनकी तो खींच ले। हाँ जी, चक्की उल्टी घुमा रहे हैं जी। कान में बोलो। चक्की उल्टी घुमा रहे हैं जी। गुड। हाँ जी। सी गुड। थैंक यू जी। ओह नो, चक्की तो उल्टी घुमा रहे हो आप ऐसे घुमाओ, हाँ ऐसे, और आप भी ऐसे ही घुमाओ, राइट। ओ हेलो ताई, कहाँ मेले में घूम रही हो, कहाँ की तैयारी है? क्यों मूतने भी ना जाए, यही कर ले सबके सामने। तुझे शर्म बरम है कि नहीं, मर जाने चल यहाँ से। मैनेजर बना। जा जा जल्दी वापस आओ। ये कहाँ चल दी, मेले में एक आदमी भी कम हुआ ना तो मैडम मुझे कच्चा चबा जाएंगी, और तुझे भी। अगले सीन की तैयारी कर ले। ओ फिकर ना करो जी, मैं भी बुलाता हूं, सब रेडी है जी। हां जी, ये देखो जी तस्वीर। हाय कितनी सुंदर है। पर इतना काम, वो सारा काम तो आप ही कर रहे हो, कमाल ही है। तनख्वाह भी कुछ ज्यादा ही होगी। कहाँ, 10,000 देती है एक शादी का, खुद पता है कितने पैसे कमाती है। अच्छा, तेज है, इतनी चलाक है, शरीफ ही होगा इसका घरवाला जो इसके साथ निभा रहा है। उस नक चढ़ी लड़की से शादी कौन करेगा, अभी तक कुवारी ही घूम रही है। ओ ताई, तैयार हो ना सब। तू इतनी देर कहाँ थी, कब से तेरा वेट कर रही है? अरे मैं उधर, पहले ऊपर जाके काम निपटा। हाँ जी। जा जल्दी जा। इसे रब ने मेरे लिए रखा छोड़ा है, जब वही सफेदी वही रिश्ता अपने आप मिले तो कोई बिचोले के मेले हाथों से क्यों ले। अब बनेगी सही मायने में जुड़ी, ये भी छड़ी और मैं छड़ा। हे परमात्मा, ठीक कर कदो सुनावेगा।
स्माइल। आप भी आ जाओ। एक मिनट, अरे इधर आना। मैं फुगड़ी खेल मेरे साथ, फुगड़ी खेल मेरे साथ, मुझे इनको दिखाना है। आ गया जी। जल्दी आ जा, पकड़, फोटो खींच मेरी। ये देखो जी, देखो। ये क्या घटिया सा गाना है, वो माहौल के हिसाब से गाना गाओ। और ये हैं तेरे लोग, सारा एटमॉस्फेयर खराब कर दिया। भाई मैं कौन सा ऑर्केस्ट्रा वाला हूँ, और जितना उनको आता कर तो रही है बेचारी। और बात सुन लो मैडम, औरतें नाच भी रही हैं तो पेमेंट डांसरों वाली चाहिए, क्यों ताई? और नहीं तो क्या, मेरा गला ही सूख गया। जय ठंडा तो लेकर आ झट से। हाँ मेला, मेरा भी गला सूख गया, दो ले आना है। कोई नहीं ताई, लाएगा झट से। तब तक आप वो गाना गाओ। हाँ जी। अब बढ़िया दमदार जोड़ियाँ अब बनी है। जलंधर, मेरे दादाजी कहते थे, जिस दरवाजे को खोलने के लिए आप धक्के मुक्के लाते मारते हो ना, हो सकता है वो दरवाजा खींच के खुलता हो। मेरी साली लिखी भी लव मैरिज थी, और मैं बिचौलियों पे भरोसा कर रहा था। वो तो छोटे बच्चे को जैसे पॉटी सुसु करना नहीं सिखाते, ऐसे गाइड कर रहे थे जी। ओ भाई, चढ़ता जोर से मत बोलना, मुंडी नीचे रखना होए, जब कुछ पूछेंगे तभी जवाब देना, और बर्फी का एक ही टुकड़ा उठाना। और क्या, बहुत जुलूस निकाला उन्होंने तेरा। हाय हाय, तूने आंखें देखी थी उसकी, कितनी सुंदर है, और ऊपर से कुवारी भी है। जो उसके गाल पे काला तिल है ना, रब ने खुद लगा के भेजा जी, और ऊपर से कुवारी भी है। जब वो बोलती है ना, तो मछली की तरह उसके होंठ ऐसे स्लो मोशन में खुलते हैं जी, और ऊपर से कुवारी भी है। हाय, और रब्बा तेरे भाई को सच्चा प्यार हो गया। जैसे तू बात बात पे कुवारी कुवारी कर रहा है ना, मुझे प्यार कम मजबूरी ज्यादा लग रही है। ओ जा यार, ऐसे मूड मत खराब कर, माहौल बना रहने दे। तू क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जानता है? आई एम अ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और मैं कोई पेनल्टी मिस नहीं होने देता। अरे मैं नहीं पिलाऊंगा तो और कौन पिलाएगा? और वो जो मेरे सर पर हाथ घुमा के गया, उसका क्या? अरे मेले में, अरे क्या हुआ? अरे मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं अरे मेरी बात सुनो। अरे रुक जाओ, क्या कह रहे हो? जरा धीरे बोलो, शांति रखो। मेरी बात तो सुनो, मैं सिर्फ तो चल यहाँ से, क्या तमाशा बना रखा है? चल चल भाग 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 भाग, मारी नींद क्यों खराब हो गई? सब ठीक है, सुधरोगे नहीं तुम? दिखा देना अपनी औकात। अरे कुछ नहीं होता है, थोड़ी बहुत शरारत तो चलती है। चल चल सो जा, मार मत खा लियो मुझसे, बड़ा आया आशिक। ओ क्या बात हो गई, इसकी शादी नहीं हुई अभी तक, और कुंवारों का तो पता ही है, पागलों जैसे घूमते हैं शादियों में। कुंवारों को तो ढूंढ ढूंढ के ना चूहों वाली दवाई खिला देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कुंवारा मुक्त बना देना चाहिए। ना बोल, बड़ा आया उपदेश देने वाला, बनाना है तूने कुंवारा मुक्त देश। तू मुझे ये बता, तुम में से डायलॉग कौन कौन बोल लेता है? मुझे बोल लेते सभी, आप जिसे कहोगे बुला लेंगे, पर पेमेंट 900-900 रुपए लगेगी। चल 150-150 में बात होगा। 200 कर दे फाइनल अब। डन। पक्का व्यापारी है तू भाई। वो तो हूँ जी मैं, रिहर्सल करा देता हूँ। चक्कते फटे। नमस्ते जी। नमस्ते। आ गई। ओए वो जो रह गया था वो सामान मंगवा लिया। हैं? ओ मेलिया, एक बार चढ़ते से पूछ लेते, कुछ रह न गया होवे। देख ले, मैं कह रही थी बड़ा ही सियाना लड़का है। हाँ पता है सियाना है। और क्या, मैंने तो सुना है वो मंजली मैडम को पसंद करता है। है? शरीफ है। हाँ हाँ, कहने से डरता है। है? कहता है नहीं नहीं, मैं कहा अंजलि मैडम कहा। मैंने कहा नहीं नहीं बेटे, तू तो बहुत ही सुंदर है, है? लो अंजलि मैडम को और कौन सा हीरो चाहिए? हाँ हाँ, और कौन सा चाहिए? देख ले तू, इतना प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है। कहता है पहली नजर में ही हो गया था,
कहते हैं ना, इश्क होने पर कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं बहना, अपने टाइम पे कहाँ होता था ये सब। सही कह रही हो। हाँ, वही तो। चल चल, चल छोड़, गीत गाने। वो उच्चियां लम्मियां सालियां वे कोई विच गुजरी। प्यार हो गया तुझे? ओ, मैंने ना जी एक प्री वेडिंग की थीम सोची। नहीं बोलना, पहली नजर वाला मेरे से प्यार हो गया? आपको किसने बताया जी? मैंने तो किसी को बताना ही नहीं था जी। दिल की बात दिल में लेके मर जाता, पर ये बुजुर्ग भी ना बड़े सीधे होते हैं जी। बातें छुपानी तो आती नहीं जी उनको। तो फिर अब क्या करें बता? मुझे भी तो खुद हो गया, पर मैं शहर से और तू पिंड से। हाँ हाँ, मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे। तो फिर घर से भगा के ले जाऊं? हाँ, हाँ, ऐसे ही करते हैं। हाँ। मैं घर से गहने चोरी करके लाऊं कि बस ऐसे ही आ जाऊं? आजा, जैसे तुम्हारा जी करे। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, हम काम पर आए हैं तो जरा काम पर फोकस करें। बड़ा आया प्यार करने वाला। ला भाई जलंधर, निकाल 1000 रुपए। कौन सा कौन सा? ये भोंकता था जी, कहता शहर की लड़कियां ऐसे फंस जाती हैं। कहता जी ऐसी लड़कियां प्यार में पड़ जाती हैं। मैंने कहा जाने दे प्यार व्यार। वो प्यार क्या चीज है जी? अरेंज मैरिज बेस्ट है जी। और मैं तो बता रहा था कि मैंने एक प्री वेडिंग की थीम सोची है जी, मैं आपको वो बताता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैंने सोच रखा है पहले वो गाड़ी से उतर कर गार्डन में जाएंगे, फिर लड़की वहाँ से धीरे धीरे उसके साथ चलेगी। हाँ ठीक है जी। और लास्ट ट्यूबवेल पर जाकर एक दूसरे के मुंह पर पानी के छींटे मरवाओ, दैट्स इट। हाँ छींटे मरवा देते जी। मैम वो लड़का, जल्दी निकालो इन सबको, 4 बजे वापस चाहिए मुझे सारे। देखा, ऐसे ऑर्डर करती है जैसे पुलिस में हो, चुटकियों में चाहिए सब कुछ और पेमेंट के वक्त जान निकल जाती है। बहुत एहसान फरामोश हो तुम, हैं? ना उसने तुम्हें काम दिया, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, और तुम्हें पैर धो धो के पीने चाहिए उसके। कर रही है उसे बदनाम। जलंधर। हाँ जी। सारा सामान पैक कर ले। हद है। और क्या, मेरा उस्ताद भी कुछ काम नहीं है, 8000 देता मुझे काम करने का, हद ही है। ओए ये तो नहीं मान रही, तू तो टिक जा कम से कम। अब आप प्री वेडिंग शूट के लिए जा रहे हो, ये आपका मोमेंट है, फुल एंजॉयमेंट करना है, हैव फन। ये जरा देखना जी, ये मैंने मेरी अपनी शादी की प्री वेडिंग थीम सोची है जी। ऐसी लाइफ दूंगा जी मैं अपनी घरवाली को। सुंदर है ना? आप क्यों उदास हो गए जी? हाँ? मैं नहीं तो। मैं समझता हूँ जी, जब आप लोगों के अरमान पूरे करते हो तो आपके अरमान तो कैसे तड़प तड़प के रोते होंगे जी। तो साथ में आप सोचते होंगे इस 31 साल की उम्र में आपसे कौन शादी करेगा जी। तुमसे किसने बोला? मुझे सब पता जी, आप 31 साल के, मैं 29 साल का। मैं हाथ पकड़ूंगा ना जी, और मैं पुरानी सोच का थोड़ी हूँ जी कि शादी वाली लड़की लड़के से छोटी होनी चाहिए। इतनी कुर्बानी तो मैं दे ही सकता हूँ, हम दोनों का काम भी एक ही है। बढ़िया जोड़ी बनेगी जी हमारी। हो गया तेरा, तेरे जैसे 365 रिजेक्ट कर चुकी हूँ अब तक। बात ये नहीं कि मुझे लड़कों की कमी है, बात ये है कि मुझे शादी करनी नहीं है। अब ये कैसी बात है कि मुझसे शादी नहीं करनी, ये तो विधि का विधान है, शुरू से चलता आ रहा है। मतलब किसी से तो शादी करोगी? क्यों, कितने लिखा है कि शादी जरूरी है, और शादी की जरूरत क्या है? आप समझते नहीं, 100 बातें होती हैं। मतलब प्लीज, बच्चे मैं अडॉप्ट कर सकती हूँ। किसी बुजुर्ग ने कभी कहा था कि लड़की को आदमी की उतनी ही जरूरत है जितनी मछली को साइकिल की। नहीं, मछली अब साइकिल से अपना सर फोड़ेगी। एग्जैक्टली, तो क्या मैं अब आदमी से अपना सर फोड़ू? मछली यार, ये तो बेवकूफ बना के चलेगी मेरे को। मैं नहीं खेलती। हैं? चल गई दुल्हन। आपकी फोटोग्राफ्स इनके साथ बहुत अच्छी आई हैं। आप दोनों ने वैसे ही पोज देने हैं जैसे मैंने आपसे रिहर्सल्स में करवाए थे, ठीक है? याद रखना। और तुमने शादी नहीं करनी? हैं? कुवारी मरना तुमने?
बहुत ड्रामे मत कर, चुप करके अपना काम कर, वो लोग वेट कर रहे हैं। ना तू मेरी घरवाली जो मैं तेरी बात मानूं। और तेरे हिसाब से मैं फोटो फोटो नहीं खींचने वाला, मेरा काम है मुझे पता क्या करना है। और जलंधर ला भाई मेरे कपड़े चेंज करा, हम फोटोग्राफर हैं, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नहीं आए, वो अच्छे खासे पैसे वाले लोगों का तमाशा बना रखा है, बढ़िया ही थीम वेडिंग वाली। वो आप यहाँ के कल्चर के लिए आए हो ना, हैं? आओ हम यहाँ का लोकल कल्चर शूट करेंगे जी, चलो। हाँ चलो। गोबर कहाँ मिलेगा जी? बेटा हमारे यहाँ गोबर बहुत है, मेरे साथ चल, ताजा मिलेगा, साथ में उपले भी मिलेंगे तुझे। तुमने उपले बनाने हैं? वो नहीं, चलो दिखाओ तुम्हें यहाँ का कल्चर। वो देख कितने खुश हैं, क्लाइंट्स को ऐसे खुश रखता हूं मैं, सोच ले घरवाली कैसी खुश रखूंगा। नहीं जची गल? नहीं बिल्कुल नहीं। ना सही, फिर तेरे जैसी सोमवार के व्रत मांग रही होती है कि हे भगवान किसी को भेज दे मेरी लाइफ में, आगे भगवान का भी जी करता कि खींच के मारे कान पे, कितना सुंदर लड़का भेजा तो था। ये सुंदर वाली बात तो तू रहने ही दे, थोड़ा सा भी ठीक ठाक होता ना तो कुवारा ना होता। कुवारी होगी तू, 100 रिश्ते आते अभी भी मेरे लिए, स्वीट 16 पसंद करती मेरे को। तू पागल ना किसी और को बनाना, स्वीट 16 वालियां ना नाबालिग होती हैं। ये लो पूरी बात तो तुमने सुनी नहीं है, लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि रिश्ता करवा लो, शादी 2 साल बाद करा लेना, और तू तेरी तो एक्सपायरी डेट भी निकल चुकी है कुंवारी दी। कुंवारा होगा तू, तेरा बाप, तेरा दादा, मैं नहीं कुंवारी। 26 साल तक इन डिमांड, 28 साल तक इमरजेंसी, और 30 साल तक नो डिमांड, और 30 के बाद। और चलो जलंधर, चंगा जी आज के बाद ये चेहरा मत दिखाना मुझे। ओए कहां बाकी की शादी? कौन सी शादी, वो हम तो क्रिएटिव लोग हैं, ऐसे किसी रसगुल्ले खाते की फोटो खींचने नहीं आए, किसी और को बुला लेना। अरे जा जा बे, बहुत देखे तेरे जैसे। और तू ये देख लो जी, लोगों की शादी कराती है। इसे देख लो जी, हंसने वाली कौन सी बात है, उनकी तो शादी हुई नहीं और लोगों की करवा रही है, ये तो वो बात होगी कि चोर से रखवाली करवा लो। तू जा यहाँ से। जलंधर आया उस्ताद। चलो ए, अब और इसकी बकवास सुननी नहीं जाती मुझसे। चल यार जिससे पहले माइंड बदल जाए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। और माता ये क्या करा लिया? क्या करवा लिया, इसकी उम्र है अब काम करने की, फिसल कर गिर गई, नाजुक सी है ये, हड्डी टूट गई हाथ की, हाय जान निकल रही है मेरी, हाय बहुत दर्द हो रहा है। नहीं रे भूख से है? जा गांव से किसी को बुला ला जो रोटियां बना दे। ताई 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 दरवाजा खोली, अर्जेंसी है। यही से बता अपनी अर्जेंसी। वो मेरी माँ का हाथ टूट गया, हमारे घर आके खाना बना दो ना। शर्म नहीं आती तुझे? आज बोल रहा है खाना बना दे, कल कुछ नया बहाना ढूंढेगा। इन कुवारों से रब ही बचाए। ताई ताई बात तो सुन, दो रोटी नहीं बना सकती? ना भाई, मेरी पत्नी ने नहीं तेरे घर आके रोटियां बनानी है, कहीं तू उसे ही खा गया तो, समझा? चल बोल इसे ताया। ताया। फिर से कह ताया। ताया। मेरे बुलाने से नहीं आती कोई, आप खुद ही बुला के लाओ जी। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, खुद ही बना लूंगा खाना। बात सुन, तो सुबह ही गाड़ी पकड़ के यूपी चला जा, शायद वहाँ कोई मिल जाए, यहाँ तो तेरी दाल गलने से रही, और माँ को तो वक्त लगेगा ठीक होने में, मैं कब तक रोटियां बनाऊंगा। उनको तो सबको चावल बनाने आते हैं, रोटी वाली कोई नहीं मिलेगी। आपके लिए कितनी रोटियां लगाऊं जी? 7 बनाई लो। 7 आपकी और 5 मेरी, ठीक है। आटा कितना लगेगा इसके लिए? हेलो लव बर्ड्स, और मैं अपने लिए ब्रेड खरीद के ले आ दुकान से, इतनी सारी नहीं बनेंगी मुझसे। ले आ। ले।
कुमारिया, ओ कुमारिया, ओ ये तेरा फूफा आया हुआ, ऐसे कौन सी गोलियां दे रखी हैं तूने? ओ जोशी जी, आप तो सीरियस ही हो गए मेरी बात पे। 101 की दक्षिणा दे दो इनको जी। जहाँ जलंधर छोड़ के आ जोशी जी को घर। ये लो जी, नमस्ते। ओ इसने कहा तेरी तो शादी हो ही नहीं सकती है, खाना बनाने का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा ना, इसे पूछ कोई और रास्ता है। पक्की बात है जी, इसकी शादी नहीं हो सकती, आपके लिए कुछ ट्राई करूं? पक्का? ले कर लो जी गल। हेलो। हाय, कैसा है? मैं ठीक हूं जी। राजस्थान में एक प्री वेडिंग शूट है, करेगा? हैं? ये कहां रेगिस्तान में शादी रख दी? ले दस, यहाँ जहर खाने को पैसे नहीं, और लोग अलग ही स्वाद ले रहे हैं जी। नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगा जी। हाँ जी हाँ जी, पक्की बात है जी, मेरी जरूरत है। क्यों, अपनी काबिलियत पर शक है? नहीं, वो पिछली बार थोड़ी सी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना जी। ओहो, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, पर इस बार तो नहीं लड़ेगा ना तू? नहीं नहीं जी, इस बार नहीं लड़ूंगा जी। हाँ जी हाँ जी। फिर जल्दी आ जा, मिलते हैं। लो जी आ गया जी, मैं आ गया, बस मैं जल्दी आ गया जी। ये 100 करोड़ खोटा जोशी जी, आ गया फोन। बड़ा आया अंतर्यामी, ओ तेरे से भी बड़ा अंतर्यामी बैठा ऊपर। आप 20 दिनों में रिजल्ट लीजिए। सरदार साहब, आपको तो मैं बांध दू सेरा लाकर आपके सिर पे। 2 रोटी मेरी भी लगा देना, नहीं तो शादी के बाद मैंने भाव नहीं देना। 2 महीने में मिसेज चढ़ता जा, छमछम करती घूमेगी, फिर ना कहना कि जवान बेटे ने अलग कर दिया। हम दोनों ने मिलकर फुगड़ी खेली थी। 8th में पढ़ा था कि साइंस कहती है कि गोल गोल घूमो तो हीट पैदा होती है। अगर आग मेरे दिल में लगी है तो ये बात पक्की है कि असर उधर भी हुआ होगा, पक्का हुआ होगा जी। हे परमात्मा, बल्ले 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 बल्ले, ये डाल भाई मुझ पे भी। ये पंजाबी गाना आता है, हैं? सीख लो, चढ़ता आ गया अब। ओ बल्ले। What's up गगन? पैरी पहना बुजुर्गो, बड़ी हो मुझसे इतना तो बनता है। तू नहीं सुधरेगा ना? नहीं, मैं तो मस्ती कर रहा था, बड़ा खर्चा करा दिया इनका। कोई ना, तुझे भी अच्छी पेमेंट दिलवा दूंगी, चला जा। मैं फिर बढ़िया थीम भी सोच लेता हूँ। उसकी जरूरत नहीं, वो जो तुमने मुझे एल्बम दिखाई थी ना, मैंने वही थीम सोची है। नहीं नहीं, वो नहीं हो सकती। क्यों? वो मेरी पर्सनल है ना, मेरे पास उससे बढ़िया आइडिया है जी। अपने लिए कुछ बना लेना, तेरी कौन सी अभी शादी हो रही है, उसे नीचे करो। नहीं जी, वो नहीं हो सकती। सुन, इसको वापसी की बस में बिठा दो। एक तो इनको बुला बुला कर काम दो, पर नहीं, अपनी मनमर्जी करनी है तो ना सही फिर। जैसे तुझे ठीक लगे। दो महीने में मिसेज चढ़ता जा, छमछम करती घूमेगी, फिर ना कहना कि जवान बेटे ने अलग कर दिया। आज ताया ताई लेने जा रहा है, वो भी गांव में सबसे ज्यादा सुंदर। ताई 2000 का नोट लेकर आना शगुन डालने के लिए। For pre-wedding we want some unique idea, something different. अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है तो बताओ, नहीं तो हम लोग किसी और को देखें। There is no need to look further. मेरे पास एक बहुत ही यूनिक आइडिया है, और फोटोग्राफर भी फुल देसी है। एक मिनट, तू कुछ कह रही थी? नहीं तो तू आवाज लगाइए। तूने बुलाया ना पहले? क्यों गगन, तुमने बुलाया था पहले? ले चलो, पहले मैंने बुलाया था। इंसान ही झुकता मैडम, अकड़ तो मुर्दे में होती है। ओ जी, मैंने पूछना था कि कोई कैसे रह सकता है जी शादी के बिना, तुझे डर लगता है ना? मुझे किस चीज का डर? यार मेरी कोई बात मानेगी भी कि नहीं, इतनी जिद्दी? सिंपल सी बात है, जैसे मुझे लगता है जानवरों से डर, तो मैं जानवरों से दूर रहता हूँ जी। यही हाल तुम्हारा शादी को लेकर है। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें गाड़ी कौन सी पसंद है? मुझे थार बहुत पसंद है। वाह भाई, तू आज से मुझे 4x4 थार ही समझ ले, और हमारी कंपनी से टेस्ट ड्राइव फ्री।
इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तू बस मुझे एक मौका दे दे इस शादी में अपना हस्बैंड बन के साथ रहने का। हो सकता मैं तेरी सोच बदल दूं, और बदले में तू जो कहेगी जैसे कहेगी मैं वैसे फोटोशूट तुझे करके दे दूंगा। नहीं तो नहीं करेगा शूट। नहीं वो तो मुश्किल है, पहले बोला था। ठीक है तू इसे ना मेरा साथ वाला कमरा दिलवा दे। वो वाला कमरा मैम? जितना कहा है उतना कर, पर शूट वही वाला होगा। मैं आंधियां उड़ा दूंगा, पर जितना बोला उतना ही काम करेंगे, क्यों गगन जी? और फिर तनख्वाह बढ़ी के नहीं? वाह भाई कुवारिया, अगर ये कुवारी सेट होगी ना तो मैं 500-700 दिए लेके ना मन्नत मांग के पूरे गांव में जलाऊंगा। बाली कदे हवा करी ना नेचरिया कूल गोरी है, सिद्धी जई बोली साड़ी सिद्धे आरूल गोरी है, तत्ता ए खून तसीरा पाल दिया फिर दिया हीरा और जंदा नी राकुड़े, इन्ने एक्सपेंसिव जट ने करते तेरे नाकुड़े, जिन्ने भी बच दे मेरी जिंदगी दे साकुड़े। ताही तांगेड़े लौंदा फिरदा है हवा ना गौंदा हो चढ़िया है चाकुड़े, इन्ने एक्सपेंसिव जट ने करते तेरे नाकुड़े, जिन्ने भी बच दे मेरी जिंदगी दे साकुड़े। तू दिल बिच फेरा अड़िए नी चढ़ता तेरा पादू हुण गा कुड़े, इन्ने एक्सपेंसिव जट ने करते तेरे ना कुड़े, जिन्ने भी बच दे मेरी जिंदगी दे साकुड़े, इन्ने एक्सपेंसिव जट ने। मैं तो नया ठंडे पानी नाल सवेरे सवेरे मजा आ गया, और ठंडा ठंडा पानी पै के मजा आ गया। कौन है? ओ मैं चढ़ता। तू यहाँ क्या कर रहा है? ओ रुक जा रुक जा। ओ मेरे कमरे में साबुन नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम देखो तो यहाँ भी वही है। यहाँ तो पता नहीं बोतलें ही बोतलें पड़ी हैं। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सब में से ही लगा लिया। ये हेयर कंडीशनर है। अच्छा, यही तो ढूंढ रहा था मैं। ये सेंट तो लगवाओ। ओह माय गॉड, ये लड़कियों वाला है। ये भी लड़के लड़कियों का होता है। ओ परफ्यूम तो परफ्यूम ही होता है, हमारे तो एक ही पाउडर का डिब्बा है, पूरा परिवार एक ही लगाता है, तौलिया भी एक ही है पूरे परिवार का, उससे मोहब्बत बनी रहती है। ला और तो दिखा क्या है तेरे पास। प्लीज प्लीज डोंट टच, मेरी पर्सनल चीजें हैं। लो मी और बीवी का क्या पर्सनल हो गया, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा है। चक ले ये मेरा सरसों का तेल भी तेरा है, ये ले ले लगा लो अपने बालों में, देखो क्या चमकदार हो जाएंगे। नाक में लगा लो सारी नसें खुल जाएंगी, मसाज करा लो सारे दर्द दूर, तेल क्या है विज्ञान का चमत्कार है जी। नहीं जरूरत, ये ले रख अपने पास। मुझे बता तू मेरे रूम का लॉक खोल के कैसे आया? ले मैंने कहा मेरी बीवी का रूम है, ओपन द डोर, उसने झट से खोल दिया। तू प्लीज जा अपने रूम में, प्लीज गो। तेरे को मैं एक लाख पते की बात बताता हूँ, जो मेरी आंखों ने देखा ना तू कभी नहीं देख सकती। क्या? तुम सोती हुई पता कितनी सुंदर लग रही थी, जागते हुए तो कुछ भी नहीं उसके आगे। बाय टाटा।
सेल्फी में वो बात नहीं बनेगी मिसेज चरता जी। ये लो लो, इसमें क्या बात है? और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, मैं तो अपनी वी को अपने हिसाब से रखूंगा ना। अब ये तो हमारी आपस की बात है। जब आप रोटी बनाया करोगे, मैं तो साथ में सब्जी काट दिया करूंगा। मेरा तो बाप भी तड़का लगाना सीख गया। हेल्प भी जरूरी है ना जी। अब अगर रोटी दो लोगों ने खानी है तो काम भी तो दो लोग ही करेंगे ना जी। वेरी गुड। तुझे सब्जी काटनी आती है और तेरे पापा को सब्जी बनानी आती है। हाँ जी। और मुझे ना कुछ भी बनाना नहीं आता है? और हाँ, रात को मैं सैलेड खाती हूँ। तुझे अगर कुछ खाना है तो नीचे जाकर खा लेना। सैलेड? सैलेड? सैलेड। जाते हुए तो बड़े सब्ज बाग दिखा के गया था, रोटी छोड़ कम से कम चावल तो मिल जाते। ओ खा ले कुवारे, खा ले। ओ खाने और बीवी की तोहिन नहीं करते। या यार, ये तो बहुत ही स्वाद है। आज के बाद तो हमने लेट्यूस ही खाना है भाई। कितना स्वाद है ये। कहाँ से सीखा बनाना? बटर चिकन, दाल मखनी, बहुत सारी रोटियां, इसके आगे उनका क्या मुकाबला है जी। ना ना, ये देगा सबको मात। गल सुन, यहाँ वो रेगिस्तान तो दिखता ही नहीं। ये रणथंभौर है जहाँ टाइगर्स दिखते हैं। तू कल ना पिक्चर्स क्लिक करके आना। हाँ, बहुत ही चला के भाई, चढ़ते नु बना दे टाइगर दाने वाला। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। गुड इवनिंग। हाय। हाय। गुड इवनिंग। कैसा रहा आपका मैडम? बहुत बढ़िया रहा। जो आपने थीम बताई थी हमारी शूट के लिए, वो भाई साहब ने उससे भी बढ़िया सजेस्ट किया। सर जी एक बात बोलो जी। हाँ हाँ बोलो पुत्र जी। सर, योर गर्ल्स मैरिज, आपकी लड़की की शादी है, आर यू हैप्पी? यस आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश है। आप भी खुश हो जी? बिल्कुल खुश, क्या बात है। आप ज्यादा खुश हो के सेम खुश हो जी? ओ सेम खुश है जी। अच्छा। आखिर हमारे बच्चों का ब्याह हुआ है यार। फिर तो गड़बड़ होगी जी। क्यों? फिर क्यों हुआ कि वो लड़की का बाप है, खुश तो बराबर का ही होगा ना जी। खुश तो है। तो आपकी पगड़ी स्टाइलिश और उनकी पगड़ी सिंपल। वाकई यार बात तो ठीक है, स्टाइल तो होना चाहिए। स्टाइल तो करना पड़ेगा। तो अभी कर देते हैं। ले भाई बांधी पगड़ी। अब बन गई बात ना। बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। दे दिया ना तूने धोखा। तू शूट कुछ और करके आया है ना? तेरे क्लाइंट से खुश है ना? काम हो गया तुम्हारा तो और क्या चाहिए? और शादी तो पता नहीं मेरी किस्मत में लिखी है कि नहीं लिखी, पर उस एल्बम में ना मेरी फीलिंग्स लिखी है जी। और मैं फोटोज भेजता हूँ, फीलिंग्स नहीं। ड्रिंक है? तू भी पीती है? क्यों? क्यों? गुड नाइट। तुझे दूं मैं बियर बार खोल के? ओ बैठ जाओ कुवारिया, बैठ जा। शादी के बाद सिखा देंगे इसको सबक अच्छे से। हाँ। तू नहीं ड्रिंक लेता? हैं? ड्रिंक? नहीं नहीं ले लेते फिर। हाँ। ओ ले आ भाई। चीयर्स। कमाल ही है। की रसम करेंगे। पकड़ा मुझे, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ले भाई। ना जी ये गलत बात है।
मैंने कहा था ना कान में बुला कर। ना जी, जो आप करा रहे हो बिल्कुल सही है, होता ऐसे ही है, हमारे पुराने रिवाज हैं जी। पर गोरा बेचारा लड़की दे रहा है, अब लड़की भी गोरा ही दे और कंबल भी गोरा ही दे, ये तो कोई बात ना हुई ना। कंबल तो कम से कम लड़के का बाप दे सकता है ना। हैं, ठीक कह रहा है। ले आओ जी, ले आओ। ए लो पकड़ो, तुसी दो जी। लेट मी गिव इट टू यू। माय प्लेजर, माय प्लेजर। ये वेरी गुड। ओ ऐसे क्यों देख रहे हो, रिबन काटने वाली रस्म नहीं मैं उल्टी करवाने वाला, पैसे आप नहीं देने हैं, सालिये नहीं देंगी। चलो आगे बढ़ो, ये देखो क्या कर रहा है। आजा 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 बेटा। ओ आंटी जी जरा साइड हो जाओ, थोड़ा रस्सा दे दो। तुझे लड़की के बाप की कुछ ज्यादा फिक्र नहीं हो रही? ओ मुझे तो गुस्सा ही बड़ा आता है ऐसे रस्मों रिवाज पे, अब बंदा बेगानी शादी में क्या बोले। यहाँ तो तुमने सारा ही काम संभाला हुआ, तो मैंने सोचा थोड़ा रंग मैं ही बिखेर दूं। सच में तेरी सोच ऐसी है? I am impressed. टेस्ट ड्राइव गाड़ी के काफी ड्रामे हैं। ना ना जी, बेटियों के मामले में कोई ड्रामा नहीं। वो तो जी मेरी अभी शादी नहीं हुई, मुझे पता जिस दिन मेरी शादी होगी ना मैं लड़की से ज्यादा रोऊंगा जब डोली उठेगी। अपने जिगर का टुकड़ा निकाल के देना कोई आसान बात है जी? वो देख चलने लगा मेरा क्रिएटिव शूट, दिल में कोई बात बात मत रखना, अगर अच्छा लगे तो ताली बजा देना। सोनी महिवाल को निकालने के लिए कच्चा घड़ा लेकर दरिया में कूद गई। महिवाल तो निकला नहीं, लेकिन उसी घड़े पे लिटा के पानी जरूर निकाला गया। ओए 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 ओए, कट 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 कट, आपको एक्टिंग करने को कहा, आप सच में पीटने लग गए। ओ मुझे लगा कि सच में कोई दुश्मन है इसलिए पीट दिया। ओ भाई फोटो शूट में दुश्मन कहाँ से, दुश्मन सारे। बेचारे को यूं ही पीट दिया। इसके लिए हम सॉरी मांगते हैं जी, आपका लड़का पीट दिया जी गलती से राजस्थानियों ने। ये लो जी, अपना हीरो ऊंट पर बैठकर भाग गया और हीरोइन को उसे रोकना था, लेकिन जी गर्मी थोड़ी ज्यादा थी तो अपनी हीरोइन ने सोचा छोड़ो जी इसे, कोई और बंदा ढूंढ लेंगे। अब आप देखो जी, हीरो गया भाड़ में, हमारी हीरोइन से मेहनत वाले काम नहीं होते हैं जी। थैंक यू। अंकल सीख लिया फिर कोई पंजाबी गाना? लो मैं सिखाता हूँ, आसान ही है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं। पहले ललकारे नाल। We did it. बहुत पसंद आया। Thank you. कैसी हो भाभी? ओहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वाह जी वाह। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ जी, बाबूजी सब ठीक है। पहले आप बताओ, चाय बनाओ क्या आप दूध पियोगे? चाय बना दो। अच्छा जी। साथ में कुछ खाओगे? कोई ना, शादी के बाद पटक के ठीक कर दूंगा। जलेबियां भी ले आओ। ओ अब क्या ठीक करेगा कुवारिया, तेरा खून है के पानी है बेशरम, बैठ गया कबूतर बन के, जा उठ के दिखा दे कल्चर। तेरी ता आया बड़ा, खिलाऊ मैं तेरे को जलेबियां, घर में शराफत और बाहर ये रंगत, ये क्या मिलावट है? तुझे तो मैं सिखाता हूँ, अभी खिलाता हूँ मिठाई, चल जरा अंदर मैं बताऊँ कैसे डालते हैं जपियां और दूध। या रेस्टोरेंट खोल के मैं तो सैलेड खाती हूँ रात को, दूध या सैलेड, तू भी रुक मेरे को खिला दो जलेबियां। ओ छड़ यार, ओ आया बड़ा पानी से मिल गया। सॉरी। हैं? देख मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं शादी नहीं करने के, तुम भले ही जिंदगी भर मेरा इंतजार करते रहो मैं फिर भी हाँ नहीं करूंगी, मैं तो सिर्फ तुमसे अपना काम निकलवाना चाहती थी। इस शादी के कॉन्ट्रैक्ट की पहली शर्त थी तुम्हारा वो प्री वेडिंग फोटोशूट। हाँ तो मेरे से भी तेज निकली तू। हाँ। पर तुमसे मिलने के बाद और लड़की की फैमिली के लिए तेरे दिल में इतनी रिस्पेक्ट देखकर मैंने सोचा बंदा इतना बुरा नहीं। ओ, मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ, मैं तो करेले के जैसा हूँ, बाहर से कड़वा अंदर से तो गुणी बहुत है मेरे में। जवाई बनने को तो कई तैयार है पर बेटा बनने को कोई। चल छोड़ना यार, माफ किया तेरे को, पर एक बात मैंने भी छुपाई है तेरे से। अच्छा
फिर तो तूने भी जानवर जैसी हरकत की। अगर तुम मेरी घरवाली होती ना तो मैं पीट पीट के तुम्हारा कचूमर बना देता। कमाल ही हो गया जी, शादी कम या तो टॉर्चर ज्यादा। मतलब इतनी एडजस्टमेंट करनी पड़ती शादी के बाद में। भाई बात बात पे ड्रामे आपके, कभी मेकअप लगाने की वेट करो, कभी आपके मेकअप उतारने की वेट करो। इतने नखरे 100 से आपे जी। ओ कहाँ है आपके पैर बुजुर्गो, ओ मेरी तो आंखें खोल दी। औरत के मन की आदमी ना करे और आदमी के मन की औरत ना करे। और तुम तो बिल्कुल सही बोल रही थी, वो क्या थी आपकी मछली वाली बात। लड़की की लाइफ में आदमी की उतनी जरूरत है जितनी मछली को साइकिल की। हाँ, और आदमी को भी लाइफ में औरत की उतनी जरूरत है जैसे अंधे को चश्मे की। अब इस गाड़ी को भले ही कोई खरीदना चाहे लेकिन इस गाड़ी ने ना बिकना अब। अरे गधा होगा जो शादी करेगा। बोले बोल, तू भी बोल मेरे साथ। गधा होगा जो शादी करेगा। गधा होगा जो शादी करेगा। चल अब खेलते हैं। अब मैंने नहीं खेलना। लो जी आ गया कार। माता बापू शुक्र है दोनों ही ठीक है। यहाँ इतना मेला क्यों लगाया हुआ है? और तेरी शादी की वजह से। ले बता दे मेरे पुत्र सबको, अभी तो यहाँ सब इकट्ठे बैठे हैं, नहीं तो सबके घर जा जा के बताना पड़ेगा है? तूने कहा था ना कि बहू लेके आएगा। अल ओ अच्छा, अब तो जरूरत ही नहीं। हमें तो बड़े ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और शादी ब्याह में कुछ नहीं रखा और मैंने नहीं कराना ब्याह। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि भाई इसकी शादी नहीं हो सकती, हमारी भी विद्या है कुछ। ओ ये भी कोई बात हुई, जाने से पहले तो बड़ी डींगे मार रहा था भाभी लाऊंगा, अकेला आ गया जलंधर के साथ वापस। मैं तो तेरी भाभी से शर्त लगा के बैठा था, इज्जत का कचरा कर देता। और शादी करने के बाद सबसे बुरा हाल तो तेरा ही हुआ है। बोलो ये तौलिया कहाँ रखा था, ये जरा बच्चों को संभालना जी। ये फोन किसका आ गया तुम्हें, नहा के बाथरूम में वाइपर कौन मारेगा, ये जरा बर्तन ही साफ कर दो। और तूने घर में बीवी रखी हुई है कि थानेदार रखा हुआ है? ओ इतनी बुरी हालत तो घर के नौकर की नहीं होती जितनी तेरी कर रखी है भरावा। और तुम किसी पराई औरत से बात करके तो देखो, तुम्हारा टेंटुआ दबा के रख देंगी। और खुद सुनियारे से, दर्जी से, कपड़े वाले से हंस हंस के बातें करती है। और इस जरा वो दिखा दो, नहीं 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 ये दिखा दो, नहीं आप मुझे उतना अच्छा डिजाइन नहीं दिखा रहे जितना बाकियों को दिखाते हो। आगे से उनका जवाब भी रेडी होता है, भाई आप पे तो सब अच्छा लगता है, आप जो मर्जी पहन लो। लो बताओ यहाँ कोई आपकी मूंछों की तारीफ कर तो दे, अगले दिन सारा कुछ सफा चढ़ना करा दिया तो नाम बदल दो। और चूहेदानी में फंसे चूहे जैसी हालत है आप सब मर्दों की। बातें करते बड़ी बड़ी, औरतों को बराबर का हक दो, कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे। और कौन से कंधे, और कंधे फंदे तो बहुत देर के पार हो चुके हैं, आदमी के सिर के तो कई इंच ऊपर पहुंच चुके हैं जी ये। और ताई तुमने कौन सी झोली भर ली शादी से, सारी उम्र ताए से मार खाई, पाल पोस के बच्चे बड़े किए, अब तेरे बच्चे तुझे ही नहीं पूछते। ये पी के 300 रुपए की बोतल लोगों से लड़ता रहता है, कभी तेरे को 10 रुपए का ठंडा पिलाया प्यार से, तेरे लिए तो इसके पास पैसे नहीं होते। और कोई किसान भी अपनी गाय के बच्चे को बेचता है ना तो 2,500 रुपए की मांग करता है। मैं तुम्हारे घर वालों से हैरान हूँ, उनको तुम्हारी पड़ी ही नहीं है, तुम्हें लड़के के घर भी जाना पड़ता है, ऊपर से कभी कभी दहेज भी देना पड़ता है। किसी सियानी औरत ने कहा है कि औरत को आदमी की उतनी जरूरत होती है जितनी मछली को साइकिल की। ओ जोशी जी, शराब शुरू नहीं मिला मुझे, ये वरदान मिला मुझे वरदान। अब आए कोई लड़की, मुर्गा तो क्या पानी तक नहीं पीने दूंगा इस घर का। सब सुन लो, गधा होगा जो शादी करेगा। पीछे वो सारे रिश्ते भगवान ने खुद बना के भेजे हैं जिनकी हमें जरूरत थी। माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, ताए चाचे का रिश्ता, और पति पत्नी की जरूरत नहीं थी। ये फंदा तो हमने खुद ही गले में डाला है। और कभी पशु पक्षी को शादी करवाते देखा है? और चिड़िया कबूतर हमसे ज्यादा समझदार है। ये धरती फीमेल है और आसमान मेल, रब ने किन्नी दूर दूर चक के रखे हुए हैं। और वैसे भी मिला क्या आपको शादी करके, लाइफ में एंटरटेनमेंट ही चाहिए थी ना, तो जाके कहीं घूम आते ना यूरोप कनाडा, और आप लोग करके बैठ के शादी। और अब देखो क्या हालात है आपके, ये लो जी कर लो अपनी एंटरटेनमेंट, सड़ो एक दूसरे के साथ, शादी शादी लगाई हुई है।
जनाब थैंक यू। तेरी माँ पता नहीं कितने दिन तक ऐसे हाथ बांध के बैठी रहेगी, मैं बहुत दुखी हूँ यार। सुबह सुबह उठ के खाना तैयार करो, फिर दोपहर को बर्तन साफ करते करते शाम के खाने का वक्त हो जाता है। ओ फादर साहब कोई बात नहीं, हम मिलजुल के कर लेंगे सारा काम। अगर आप कहो तो ढाबे से मंगवा लें। ढाबे से कितने दिन खाएंगे? देख बाप और बेटे का रिश्ता फ्रेंड्स जैसा होता है। अगर तेरा किसी लड़के वड़के के साथ चक्कर है तो बता दे। चल जिसे जैसा अच्छा लगे कोई बात नहीं। पर यार तुझे एक बार किसी हकीम को दिखा ले, क्या कहता है? घबरा मत, मैं तेरा बाप नहीं फ्रेंड हूँ। ओ माय बेस्ट फ्रेंड, मैंने कब कहा मुझे कुड़िया नहीं पसंद, बस मैंने शादी नहीं करानी। ओ आजकल 35-40% लोग जापान में शादी नहीं करा रहे, वहाँ पे सबसे स्मार्ट लोग रहते हैं। आप खुश हो कि आपका मुंडा जापानियों की सोच रखता है? ले बड़े फ्रेंड बने फिरते हैं। क्या बोला बेचारा? बेचारा बधाई हो, हमने जापानी पैदा किया है। सारी उम्र अब तो किचन में ही निकलेगी। रोको ये, रोको रोको। प्रिया की शादी में जा रहा है? नहीं शादी तो परसों है, आज प्री वेडिंग शूट है थोड़ा सा बस। ओए जाने मत देना इनको। ओए मेरी प्रिया की शादी है, गर्लफ्रेंड थी वो मेरी, और तू उसकी फोटोग्राफी करने चला है? छोड़ूंगा नहीं किसी को। पहले शादी में खाना बनाने वालों को मुर्गा बनाया, अब मुर्गा बनेगा फोटोग्राफर। लो भाई जी हमारी क्या गलती है इसमें? मर्जी हमारी, गलती किसी की हो चाहे ना हो। ओ पता है कितना पाक प्यार था मेरा, कितना चाहता था मैं उसको। कॉलेज में जो उसके साथ बैठता था, कोई उसे बर्गर खिलाता था, कोई उसे फिल्म दिखा कर लाता था, एक एक को जाकर धोया है मैंने। मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा? ओ दसनू नहीं नहीं यकीन है जी, इतने तो धोली, अब हमें क्यों धोना है आपने? ओ काय के धोए, एक एक से धुलाई करवाई है मैंने अपनी। अब एक एक से देख, गर्दन से मैं पकड़ता था और लोग मुझे आगे छुड़वाते थे। ओके अब इतनी धुलाई कराई है, मैं किसी की धुलाई क्यों ना करूं, अपनी भी कोई इज्जत है। कोई गर्लफ्रेंड तो अब रहेगी नहीं, वो परसों उसकी शादी, वो किसी की घरवाली बन जाएगी। और तूने तो कर लिया ना अपने मजे, उल्टा ये तो वो बात हो गई कि मजे लूट लिए बंदर ने और डंडे खाए भालू ने। उसका पति बनेगा भालू और तू बनने वाला बंदर। उस्ताद तू पटवाएगा क्या यार? जैसे मेमोरी कार्ड में गाने फिट नहीं होते, बात तेरी ऐसे फिट होगी दिमाग में। हाँ, बस बात खत्म। तो फिर चंगा जी, थैंक यू जी, थैंक यू भाई जी, थैंक यू। हाँ भाई है तू अपना। मेरे लिए साथ बना लेना। हाँ पता है। कैसे हो फादर साहब? तू मुझे पक्का बावर्ची बना के छोड़ेगा। कैसी हो माता, ठीक ठाक हो? हाँ सुन पुत्र, ऐसे ना कर, शादी के बिना कैसे चलेगा? ओए! और फिर मेरा घर वाला कब तक अपने हाथ जलाता रहेगा? ओ आप तो पीछे ही पड़ गए मेरे, ओ आप दोनों मुझे जापानी मत रहने देना। ओ माता ऐसे कैसे नहीं चलता। आप मुझे एक बात बताओ, आपने एक दिन भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के हिसाब से जीकर देखी है? आपको नहीं लगता आपने इनके हिसाब से अपनी जिंदगी निकाल दी? मेरी शादी के बाद तो आपको और सहना पड़ेगा। सह लूंगी मैं। पक्की बात है? पक्की। चलो फिर कर लो तैयारी, सोचो मैंने सुबह ही कर लेनी शादी। तैयारी कर लो आप दोनों लोग। You such a loving girl, I love it पुत्र, बात सुन, आज ना डॉक्टर के पास हाथ दिखाने ले चल। ना ना माता, ये कहती मुझे पार्लर लेकर चलो, पेडीक्योर करवाना है, नहीं तो रूठ जाएगी। हैं? वो ऐसे क्या देख रही हो, बहू है तुम्हारी काइली। काइली जरा पैरी पहना तो बोलो माता को। हैं? की? ये नहीं पाँव पड़ती, बहुत एडवांस है जी। कहती माँ होगी तुम्हारी, मैं नहीं बुढ़िया के पाँव पड़ती, मेरी कुछ नहीं लगती। अच्छा ठीक है, हमने फिल्म भी देख के आनी है, बाद में लेट हो जाएंगे। ओके बाय, आई लव इट, आई लव इट। सुन पुत्र, आज रोटी बना दे, तेरे पापा कहते हैं तेरी बारी है। ना ना हम तो सिनेमा गए थे, वहां पे खा लिया पिज्जा। हैं? काइली कहती जिसे भूख लगी वो खुद ही बना ले। बहुत ही फनी है। ओके जी गुड नाइट, आई लव इट। ओए चढ़ते, दरवाजा खोल। की है? ओ तेरे पापा कहते एक दिन तो बना दे रोटी।
ये कहती है शर्म नहीं आती माता को जवान बेटे बहू का दरवाजा पीटते हुए? न्यूली मैरिड कपल है जी, हम दोनों 100 बातें होती है हमारी। क्या कहती हो? माता कायली कहती है आप हमारे स्वीट माउथ से जानबूझ के जहर घोल रही हो, खुद तो बूढ़े को अपने हाथ से खाना खिलाते हो। ओ हेलो कायली, बूढ़ा नहीं कहना, मेरे फादर साहब है, साहब क्या के बुलाना है। कहती साफ होगा तुम्हारा, मैंने क्या बूढ़े से आम तोड़वाने हैं। ओके डोंट डिस्टर्ब अस, ओके बाय टाटा। सबसे ज्यादा चाव लड़के की दादी को, सबसे ज्यादा चाव लड़के की दादी को। माता पोता हुआ है तुम्हारे, बधाई हो। है मेरा शेर बेटा, कायली कहती बहुत बेकरार थी माता पोते के लिए, अब शेर बेटा भी दादी संभाले। है ये क्या कर रहा है बेवकूफ, मत कर। एला परे कर इसे, हटा यहाँ से। ना ना माता, अभी छोटा सा है गिर जाएगा, दे दादी माँ को प्यार। ओए सारे कपड़े भिगा दिए मेरे, हट। माता कायली कहती तुम्हारे कान के झुमके चाहिए। माता कायली बोलती है बूढ़ी को अलग कर दो, या तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूंगी। माता शेर बेटा कहता भाई चाहिए, बना दू जोड़ी। माता कायली कहती तुम दोनों पर दहेज मांगने का पर्चा करवाना है, कहती दोनों को पिटवाना है, लो बताओ। माता कायली कहती मैंने तुम्हें पीटना और वो भी सरे आम। माता ये कायली कहती इतना तो कोई नया जोड़ा बेशर्मी नहीं करता जितनी आप दोनों ने कर रखी है। देख ले माता ये हाल होगा, जैसे साहब ने माँ से बेटा दूर कर दिया ऐसे ये बेटे से माँ को दूर कर देगी, सोच ले एक बार। ओहो ये मेरे शेर बेटे को नीचे किसने बिठा दिया, इसे तो गोद में बिठा ले। बधाई हो माता, अब तू भी जापानी हो गई। कुटो, तू भी इस पागल की बातों में आ गई। ठीक कहता है मेरा पुत्र, मैं तो कभी न करवाऊं शादी इसकी। मैं तो कभी न करवाऊं शादी इसकी, और मैं क्या बावर्ची हूं खाना बनाता रहूं, खाओ होटल से फिर मुझे क्या। लो ये कायली से कोई कम है। खुद को कोई मिली नहीं, निकम्मे ने मेरी भी छीन ली। आ कर माता। और भाई साहब क्या हाल है? और भाई कैसे हो? मैंने सोचा आपको शूट वूट का कोई काम वाम दिलवा दूं। ओ शादी फिक्स हो गई मेरी, मेरा फोटो शूट तो तू ही करेगा ना? तुम्हारी शादी है? हाँ पक्की बात है? क्या बात है बॉस, मुबारक। बजट क्या है? ओ बजट की टेंशन तू मत ले, बस काम बढ़िया होना चाहिए। ले बॉस ठीक है फिर, A1 काम है, जो तुम्हें पसंद है वही कर देंगे। अच्छा ये एक और है, पर ये थोड़ा सा महंगा है, स्पेशल है, ऐसी शादी हुई नहीं किसी की आज तक। ये हुई ना बात फिर, मैंने तो यही वाला करवाना है, मैं भी तो स्पेशल हूं ना। मेरी आंखों में देख, है ना टाइगर जैसी, डर लगता है। भाई कुड़ी वालों की तरफ से भी तू ही होगा फिर। मैंने कहा तू फिकर ही मत कर, बस पेमेंट की। पेमेंट की कोई चिंता नहीं यार, फिकर नहीं, बस ठीक है भाई। ये तू अपना तुझे पैसे ठीक ठाक देंगे, अब क्या भाई से ही पैसे कमाएगा तू, अब तो सारी उम्र मिलना जुलना होते ही रहेगा। ओ हेलो टूट जाओ जी, ओबामा नहीं आ रहा शादी पे? ओ यार भाई है वो अपना, अरे उसके यूएस के बगल वाले गांव कनाडा में ही तो रहता था मैं। यार आजकल उठना बैठना नहीं हुआ तो क्या हुआ, प्यार थोड़ी ना कम हो गया, अब क्या भाई की शादी में नहीं आएगा। हाँ ओ यार टिकट और एकोमोडेशन दे दूंगा ना, और साथ में और गिफ्ट भी दे देंगे भैया दूध पे। ओ देखो ये बता मोल कितने लेगा। जल्दी से क्रेट्स ला वहां से उठाकर, जल्दी कर। ओ वाह भाई मेला सिंह, तो यहाँ की अरेंजमेंट भी तुमने की है। छोड़ यार सारी उम्र वही काम करूं क्या, कब तक मैं 200-250 के कमीशन के लिए क्राउड सप्लाई करूंगा, यहाँ तो बिचोला हूँ मैं। ओ तू बिचोला बन गया। मिलो जी। वाह भाई सुई संग धागा। हाँ
लो जी यहाँ तो गेट टुगेदर हो गया। ओ हेलो, कैसी हो बिन साइकिल की मछली? क्या हाल है? पैरी पहना बुजुर्गो? अरे हाँ, तुमने मुझे उसके बाद कोई शादी नहीं दिलवाई हैं? चल कोई बात नहीं, वैसे मैं अकेले 22-23 शादियां निपटा देता हूँ महीने में। इस शादी का भी मेन फोटोग्राफर मैं ही हूँ जी, सोचा आकर लोकेशन देख लूँ। तुम्हें तो मेरा पता ही है, क्या बढ़िया एल्बम बनाता हूँ। तू सुना, इस शादी में गला डलवा रही हो या फंदे पे लटकोगी? याद है? और वो तेरी असिस्टेंट कहाँ है? तेरी शादी है? हैं? वो तू पागल हो गई है? कसम से मुझे इतना अच्छा ज्ञान देके खुद इस चक्कर में फंसने लगी है। वो तुझे किसने माया जाल में फंसा लिया? हेलो बेटा। हेलो हेलो। हैं? तू सी क्लिक करोगे? जी मैं करूंगा जी। ओके हो गया तेनू। अच्छी सी फोटोज खींचना। हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली ज्यादा थीम मीम वाला नहीं चाहिए हमें। आई डोंट लाइक दैट। बेटा यहाँ सर्व करो थोड़ा। Oh, my precious diamond, looking so sweet. तुम पम्मी आंटी से मिली? ओ बेटा, वो कब से तुम्हें ढूंढ रही हैं? आओ चलो, आओ मैं मिलाती हूँ। कम कम कम। यारो, शादी करवा रही? उस्ताद, ये भुट्टे पे नींबू निचोड़ के दे रहे हैं, बड़े स्टैंडर्ड वाले। जी, पोटैटो वेजेस। आलू? और इनको तो हम घर में भी नहीं खाते। चिकन विकन नहीं है क्या? जी मैडम, हमारे वेजिटेरियन है, नॉन वेज के बिल्कुल खिलाफ है। दारू कहाँ लगी है? जी गेट पे मिलेगी। आ जा फिर। चलो जी। स्माइल। काम कर अपना। ना मुक्का मारता है ना लात मारता है, समय जब भी मारता है इंसान की मत मार देता है। तुम्हारे साथ भी वही हुआ है। अब क्या मछली साइकिल चलाएगी हैं? अकेली बेटी हूँ मैं, इसीलिए मम्मी पापा की वजह से शादी नहीं कर रही थी, पर अब उन्होंने घर जमाई ढूंढ लिया। मम्मी पापा से बढ़कर और क्या होता है ना? वाह भाई, तेरे मम्मी पापा के, मैंने तेरे पीछे अपने बाप को बावर्ची बना लिया। भाई फोर व्हीलर की टेस्ट ड्राइव लेकर कोई थ्री व्हीलर खरीदता देखा है बंदा है? और लड़के को तुमने देखा भी है कि नहीं? ना शक्ल ना अकल उसकी, वो अजब गजब प्राणी है वो। शक्ल ही सब कुछ नहीं होती, एटलीस्ट तुम्हारे जैसा पापी नहीं है जो बात बात पे बीवी को पीटता रहे। अरे उसमें तो आपका ही फायदा है जी, गांव में सास मुश्किल से बहू को मायके भेजती है। तू ना जा बेटी, तेरे बिना हमारा दिल कैसे लगेगा जी। लेकिन हमारी लड़ाई के बाद तुम मजे से बैठी रहना दो दो महीने मायके, हुआ ना फायदे का सौदा। फिर हमारी लड़ाई सुलझाने के लिए पंचायत बैठेगी, वो मनोरंजन अलग चलता है। देखो जी गाँव में रहने के फायदे। तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने करवाना भी नहीं, और तू भी मत कर। मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूँ, तुझे क्या? और नहीं यार, मेरा नहीं मन मान रहा बस। क्यों? हेलो सर, सर मैं जी फ्रेंड हूँ इनका। मैं आपको बताता हूँ जी अपने बारे में। हाँ जी, मैं तेनु दसा में कौन हूँ? हाँ जी सर, SP मुंबई कमल सिंह। जी जी सर। मामा हूँ मैं अंजलि का। हाँ, बड़ी मुश्किल से मानी है वो शादी। हाँ, को तुसी खामखा अपनी काउंसलिंग मत करो। हाँ ठीक है सर। अपना काम करो, समझदार हो। हाँ ठीक है जी। यारे उस्ताद मारेंगे, इनके मारे हुए तो एक्सरे में भी नहीं आते। मैं भी खेडूं। ये मेरी टीम में है। क्या बात है, क्या फोटो आई है ना? क्या बात है? वो लड़का कह रहा था भाई तुम घर जवाई बन रहे हो। वैसे मुझे एक बात नहीं समझ में आई, वो डोली वाली कार में बैठ के तूने जाना है? ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं। मतलब जब डोली वाली कार चलेगी तो यार मैनू भी रोना पड़ेगा। वही लग तो ऐसा ही रहा है। बाबे विदाई दे रहे मैनू,
रख ले एक दिन और, ओ मेरे बाबा, ओ मेरे आ बाबा, बाबा। बाबा ये बात तो बिल्कुल गलत है, अब तुम मेरी विदाई कराओगे हैं? बाबुल मेरा ट्रैक्टर तेरे कार रह गया, ओ बाबुल। चुप कर, रो क्यों रहा है? उनकी जमीन सोना उगलती है सारी, 38 एकड़, और कोठी देखी है उनकी, वह मौज करेंगे। इतना तो हमारी 5 पुश्ते भी इकट्ठा नहीं कर सकती, और 2-4 साल में तो मर मुक जाएंगे वो। शादी के बाद अपने यहाँ ले आएंगे, तू बस एक बार शादी होने तो दे, चल। उठा यार, जो बात गलत है वो तो गलत ही है ना यार, तू दस यार। देख भाई, फैसला अब तेरे हाथ में है, पर लालच अपनी जगह है, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह है जी, और तू तो मर्द बंदा है। अब सारी उम्र बीवी की उंगलियों पे नाचता अच्छा लगेगा जी? सही बात है यार, अब मैं समझ गया कि क्या हुआ है। हाँ। तू जलता है मेरे से, तू नहीं चाहता कि मेरा ब्याह हो जाए। नहीं, मैंने तेरी कोई गल नहीं सुननी, तू 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 बस फोटो खींच मेरी, तेरी यार मैंने कोई गल नहीं सुननी। मेरी गर्लफ्रेंड ने भी शादी कर ली ना। हाँ। वो क्या समझती है, उसके बिना और कोई डोली में नहीं बैठ सकता? चट बैठ के जाएगा डोली में, टिट फॉर टैट। बाबा पटियाला बना में आया। जलंधर, तुम्हें याद है हम लोग बचपन में बेर तोड़ने जाया करते थे? हाँ उस्ताद, बाकी सारे तो नीचे गिरे हुए बेर ही बटोर लेते थे, लेकिन तुम अकेले पेड़ के ऊपर जाके बेर तोड़ते थे, और जब नहीं टूटते थे तू खाली हाथ वापस। नहीं नहीं, आज तो टूट गया था ऊपर वाला बेर। अच्छा, लेकिन मेरा तोड़ा हुआ बेर किसी और ने अपनी जेब में डाल लिया। जाने दे उस्ताद, तुम्हें क्या करना, तुम्हें कौन से शादी करनी है? मेरा मतलब तुमने तो शादी करवानी नहीं ना, कहीं तेरे दिल से मोहब्बत की आवाज तो नहीं आ रही ना? नहीं नहीं, आवाज तो कोई नहीं आ रही। पक्का? नहीं नहीं। हाँ। तू चेक कर ले, तुझे आ रही है? नहीं उस्ताद, एकदम ओके रिपोर्ट है। सुन तो नहीं रही तुझे? मुझे तो नहीं सुन, मुझे भी नहीं सुन रही, मैं ठीक हूँ। तो भी फिर अगर तुझे नहीं तू सुन भी रही यार, तो तू भी लगा। तुम तो फोटो बेचते थे चड़ता साहब, आज तो तूने फीलिंग्स भी बेच दी। जलंधर के सामने ना सही, लेकिन अकेले में तो मान जा, दिल टूट गया तेरा। जनाब, पैर ही पहना करते हैं बुजुर्गो। आज फिर पी कर आया है? ओ यार रोटी दे दे। हाँ हाँ, और कोई फरमाइश है साहब की? ओ मैं कोई रोज दारू पीता हूँ? ना ना, रोज पी कर आया करना, इसी की तो कमी थी बस। और वो जालंधर को तो मैंने जूते मारने हैं, उस्ताद जी कह कहकर तुझे टल्ली करवा देता है। और कान खोल कर सुन, उस्ताद होगा तू अपने उस जालंधर का, कल से बाहर गया ना तो टांगे तोड़ दूंगी। इंसान घर आके भी तो पी सकता है ना, किसी और का भी तो दिल हो सकता है पीने का। ओ मैं तो भूल गया, अभी लेके आऊं। दिल चाहता है ना सच में कि मेरी भी शांत जिंदगी में कुछ हंगामा हो जाए, किसी ना किसी बहाने तेरी बीवी रोज तेरी रेल बनाए। ओ प्यार कोई मामूली चीज होती है? ओ सच्चे प्यार की तो यही निशानी होती है भाई, कि आदमी का अपने आप ही रेल बनने को दिल करता है।
देखी जो सूरत प्यारी, दिल ये मदहोश हो गया, बन गई तू काइट हाय मेरी। उस्ताद तुमने किसी बाप से लड़की का हाथ नहीं मांगना, किसी बंदर से अमरूद छीनना। कुंवारे आदमी का प्यार कम और मजबूरी ज्यादा दिखती है, इसको तो तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। तुम्हारे चाहे ढोल बजे चाहे नगाड़े, छोड़ उस्ताद, पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा नहीं। ये तो नहीं अब दिल से निकलेगी। इसे ही यहां से निकालते हैं। हेलो, नहीं नहीं मैंने शादी नहीं करनी माता, हैं? बोलते हैं तो बोलने दो गांव वालों को, और मैंने तो ऐश करनी है। और शेर कभी गुलामी नहीं करते माता, गुलामी करते हैं कुत्ते बिल्ले। हाँ नहीं नहीं, सारी उम्र में बीवी की गुलामी तो नहीं कर सकता ना भाई, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, भाई क्यों नहीं करना है? 35 एकड़ रोड के पास जमीन है तो फिर मैं क्या करूं? हाँ तो अकेली लड़की है तो मुझे क्या लेना। हाँ रोटी देखकर चूहा पिंजरे में फंसता है, शेर नहीं। ओके माता बाय। हाँ नहीं बात खत्म है। बात तो तेरी खुले आसमान की तरह बिल्कुल साफ है, पर मैं तो अपनी जिंदगी को आग लगा बैठा हूँ ना। मैं हिसाब लगाया तू बंदा बहुत समझदार है। लो मैं खाक समझदार हूँ, और मैं तो बेवकूफी बहुत था यार, अकल मुझे सिखाई तेरी होने वाली बीवी ने। वो हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, हम ना इकट्ठे रहते रहे घर वाले और घरवाली की तरह, और नतीजा ये निकला कि शादी में कुछ नहीं रखा। ये पता नहीं कैसे पलट गई। इकट्ठे रहे मतलब? अब तू समझना यार, मतलब इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे खाया पिया, इसी के बाथरूम में नहाता रहता था। लो हमारा तो तौलिया भी एक था, इसी के मैं सेंट लगाता था, एक दूसरे के सिर पे तेल मालिश करते थे। मतलब एक शादीशुदा जोड़े की सारी हरकतें कर चुके हैं हम। बहुत फन किया जी, पर फन का नतीजा ये निकला कि बस फन करो, फन इज नॉट बैड, पर शादी मत करो। देख भाई मैं हूं मॉडर्न मुंडा, खुले विचारों वाला, तुम दोनों बस इकट्ठे ही रहे हो ना यार, कोई बात नहीं, हर बंदे का कोई भूतकाल तो होता है। मैंने तेरी कोई गल नहीं सुनी बस। तो ठीक है, तू ओपन माइंडेड बंदा है तो ठीक है फिर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत पहुंची हुई चीज है उस्ताद, ऐसे ही नहीं मैं उस्ताद बोलता उसको, काला सांप है वो भी कोबरा। इतना भी ओपन माइंडेड मत हो जाना, कहीं शादी के बाद भाभी रोज ही फोटो खिंचवाने निकल जाए। उधर देख, जहर की पूरी बोतल पी जाऊं, हार्ट अटैक से मर जाऊं, कोपड़ी में गोली मार लूं, छत से सीधा कूद जाता हूं मैं। ओ बाबा जी मैं उसके साथ ब्याह नहीं कराना, मैं ये शादी नहीं करूंगा, जो मर्जी कर लो, मैं लड़ी पूरी मुंह में डाल लूं। मेरी बात तो सुन ले। ओ मैं कोई गल गुल नहीं सुननी बाबा, चलो पीछे हो जाओ। ओ बाबा मेरी विदाई ना करना। ओ बेबे मेरी बात क्यों नहीं सुनती, मेरे दुखों को कम क्यों नहीं करती, मुझे पैदा करते ही जान से क्यों नहीं मार दिया। ओए मिलना किथे है, ओए मुंह से निकाल, नीचे रख नीचे रख। ओए बाहर आ, ठीक लगे वो कर। ओए टेंट वाला इस टेंट को खोल ले, नहीं खोपड़ी उड़ा दूं तेरी। ओए हलवाई ये बर्तन उल्टे कर दे, ओए ये जलेबियां फेंक दे कचरे के डिब्बे में, ओए नहीं तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूं। ओए भाग यहां से, ओए बंद कर डीजे वाले बाबू, तेरे बाप की शादी है थे, अभी करवाता हूं हिप हॉप डांस से, कुछ बजाना मातम वाला गाना बजा, हाय 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 हाय, नहीं समझो दफा हो जाते, भाग जाते, मार के गोली सबकी खोपड़ी, भागो यहां से, जान बचाने भागो यहां से, किसी की शादी बर्बादी नहीं है यहां पे। क्या कहा, ट्रायल किया था, तेरे पे ज्यादा जवानियां रखी है, हम भी तो जवान हुए थे, हमने तो जिंदगी में कोई ट्रायल नहीं किए, तुझे हमारे लाड़ प्यार ने बहुत बिगाड़ दिया है,
थोड़ा बहुत हमारी इज्जत का तो ख्याल कर लेती। मुझे तो लगा था मेरी बेटी काम पर जाती है और तू उस फोटोग्राफर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। उस्ताद, जितने के तुम्हारे घर में सारे बर्तन है ना, उतने का सिर्फ एक गिलास है, तुम्हें ना देंगे अपनी बेटी ये। सर, जाने अनजाने में मैंने कुछ गलत बात कह दी जी। बहुत ही नॉनसेंस बात की है तुमने। फुल वेडिंग यू हैव रुइन यूज़लेस फेलो, दिस इज टू मच। यू मस्ट फाइल अ केस, इसे भी अंदर करो और उन लड़के वालों पर भी केस करो। हमारी शादी पर जितना भी खर्चा हुआ है ना, हम उसका डबल वसूल करेंगे। आलूओं पे तो क्या ही खर्चा आया होगा इनका। पर ये तो बड़ी नैरो माइंडेड सोच हुई ना आंटी जी, हम इकट्ठे रह गए तो क्या गुनाह हो गया। हाय मैं मर जाऊं। अब जहां भी शादी की बात चलाओगे ना, उन्होंने यही बात उठानी है जी। अब इससे कोई नहीं शादी करेगा आंटी जी। कहीं आप लोग इसकी शादी मेरे साथ तो नहीं करवाने की सोच रहे? मैं तो गरीब आर्टिस्ट बंदा हूँ जी, लेकिन काबिलियत की कोई कमी नहीं है। और आर्टिस्ट बंदे तो रातों रात हिट भी हो जाते हैं। पर फिलहाल मेरा और आपका कोई मैच नहीं है जी। एब्सोल्युटली करेक्ट जी सर। देखो पुत्र, केस वेस करने से कुछ हासिल नहीं होना। मुझे तो ये लड़का ठीक लग रहा है। हाँ जी सरदार जी है। हाँ जी। आर्टिस्ट बंदा है। हाँ जी, हाँ जी। आज अपने लेवल का नहीं है, बट ये राइज कर सकता है। थैंक यू। और दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं। हाँ जी। ही इज ए गुड ऑप्शन। डैड यू आर वेरी मच राइट। लो कैसे राइट जी, वो मैं कौन सा आर्टिस्ट हूँ? वो आधी तस्वीरें तो मैं धुंधली खींचता हूँ आंटी जी, और दूसरी शादी में हमारी पिटाई होती है जी, आप जलंधर से पूछ लो। ओ भाई जी, तुम्हारा फिक्स हो गया हो तो मैं चलूँ क्या? वधिया जी मुंडा, बहुत वधिया, बिल्कुल सही चॉइस है। नहीं नहीं, वैसे मेला सिंह जी सही कह रहे हैं, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। पर ये कौन सी चॉइस हुई जी? वो मैं भूखा मरता हूँ, मेरे घर पे चल के देख लो जी। वो हमारे घर तो भिखारी भी भीख मांगने नहीं आता, कहता भूखे हमें क्या देंगे। ये आपका जी प्रीशियस डायमंड है, अब इसे तो आप घर पे संभाल के रखो आंटी जी, इसे नहीं लेना किसी ने। अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो आप उसे फोर्स क्यों कर रही हैं? एक मिनट बेटा। तुमने अब टाइट स्लैप जरूर खानी है क्या? मुझे अगर नहीं फोर्स किया तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी इनकी। इनके पास तो अब एक ही विकल्प बचा है, या तो मेरी बातों में आ जाएं, या फिर अपनी इज्जत बचा लें। शट अप, मेरे डैड कभी गलत नहीं कहते। नहीं नहीं, वो ठीक है, पर मैं अपनी आजादी नहीं खो सकता ना जी। तेरा तो प्यो भी मानेगा। हाँ, उनसे आप बात कर सकते हो। यू नॉनसेंस, यू वांट अ स्लैप काकू। ओए जल्दी गाड़ी मंगवा, इस लड़के के घर जाना है, वहाँ से इसके माता पिता को इधर लेकर आओ, और अगर ये नहीं माना तो फिर। अगर इनको पता चल गया ना कि आप कितने कमीने हो, इनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ओ यार, पहली बार किस्मत ने साथ दिया और तू है कि अपनी असलियत इन्हें बताएंगे चार पांच बच्चों के बाद। इनको समझने दो कि इन्होंने मुझे फंसाया है, लेकिन इनको क्या पता कि ये एक मगरमच्छ को फंसाने जा रहे हैं। मगरमच्छ के आंसू, मुझे शादी नहीं करानी जलंधर। ओ अंकल जी, मुझे जल्दी से यहाँ से ले चलो, मैंने शादी नहीं करानी। दिस इज रॉन्ग, जब दोनों ब्याह कराना ही नहीं था। सोचो, समाज सेवा करना जरूरी है। आप तो उसे तिल दे बैठे थे ना राजस्थान वाली शादी में। नहीं तो झूठ ना बोलो, कल तक मूड ऑफ था, आज स्माइल छुपाना भी मुश्किल हो रहा है। शादी के बाद उसे खुद आपसे प्यार हो जाएगा, जो हो रहा है उसे होने दो। ऐसा सोचो कि आप लव मैरिज कर रहे हो और वो अरेंज मैरिज। कमीज आज फिर गीली कर ली आपने। चलता पुलिस की जीप में। कुछ गलत ही किया होगा, कमिश्नर थोड़ी बन गया होगा। एसपी साहब की भांजी और आपका बेटा इकट्ठे घूम रहे थे राजस्थान में, इसलिए बड़े साहब ने दोनों की शादी करवाने का फैसला किया है। घर पर दोनों की सगाई का फंक्शन रखा है, चलिए आपको बुलाया है। मेरा पुत्र किसी से शादी वादी नहीं करेगा, बता रही हूँ मैं। एसपी साहब ने सिर्फ 3 बार प्यार से पूछने को कहा था, 2 बार कह चुका हूँ, आखिरी बार विनती है। हड्डियाँ तोड़ देंगे हमारी, अभी तो मिन्नत कर रहे हैं। मैं चलता हूँ जी आपके साथ। मैं तो ना करवाती शादी पुत्र की। प्यार से पूछ लिया, अब तो बस ये दंडा पूछेगा। मैंने नहीं करनी शादी, मैंने नहीं पहनी अंगूठी, भले ही आप लोग जबरदस्ती पहना दो, मैंने उतार के फेंक देनी है जी। You want slap? नहीं, मैंने। Sit quietly. हाँ जी।
नहीं नहीं मैं पाप चलो मेरी तरफ क्या देख रहा है नॉनसेंस उधर देख कैमरे में स्माइल चीज मेरी सुन ले बात मुझे अंगूठी तो पहना दी लेकिन मैंने नहीं पढ़ना कोई शादीवादी के चक्रों में अब ये मत बोलना कि मुझे प्रीवेडिंग शूट भी करवाना पड़ेगा वो भी मेरे स्पेशल आइडिया वाला लिसन काकू ने ना तुझे अभी थाने पहुंचा देना आई एम टेलिंग यू क्या आइडिया ओए शो मी दैट प्रीवेडिंग बुक जलंधर दिखाना मत वो मोटरसाइकिल के बैग में मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा जी शादी आई से कीप क्वाइट अदरवाइज आई विल गिव यू टाइट स्लैप स्माइल जाब लेकर आ टाइट स्लैप पड़वाएगा जट्टी दियां अखां च गुलाब नचदा जिवें परदेसी दे पंजाब नचदा ओ चुन्नियां दे रंग गूढ़े हो गए ने हुण मुखड़े ते लाली दा वधा हो गया कच्ची नींदे उठदी है अख दसदी सुपने च जापदा विआह हो गया क्यों बेचैनी ना समां लंघदा बेचैनी ना समां लंघदा गल बेवजह पुछदी ओए ओनू जट ना प्यार हो गया कुड़ी मेहंदियां दे पा पुछदी ओए ओनू जट ना प्यार हो गया कुड़ी मेहंदियां दे पा पुछदी देखा उस्ताद तुमसे भी ज्यादा सुंदर फोटो खींची है कोता सारी फोटो तो आउट ऑफ फोकस है अब तू ही खाना टाइट स्लैप नॉनसेंस मम्मी से ओए आ जाओ भी आ जाओ और आगे ले चलो ओ बल्ली ओए मदद कर इनकी बस बस रोक लो यहीं पे ओ बस कर की गलो की बाता पुत्तर हम लुटे गए हैं अब क्या होगा हमारा ये तो तेरी जबरदस्ती शादी कर देंगे पुत्तर ओ कोई ना मुसीबतें भी तो इंसानों पर ही आती हैं फिर योद्धा कभी हार थोड़ी मानते हैं हल ढूंढ लेते हैं आराम से पीछे आ जाओ वैसे भी माता तेरे बेटे का जापानी दिमाग है और रुक जा जरा धीरे 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 उतारो ए आराम से तोड़ मत देना माता ये काइली कहती मुझे पार्लर जाना है जाना तुझे पार्लर ये जूता मेरा जापानी है माता की दवा लेने जाना मैंने ये तो फिर नकली गुड़िया उठा के ले आया अब पता नहीं कौन सा कांड करेगा और अब बाप बचा ले मुझे रोटियां बनाने से मेरे घर में यही नमूना पैदा होना था और चल तू इसकी मदद करना काम करने में क्या क्यों क्या जरूरत है पार्लर जाने की बड़ी गोरी मेम बन रही है तेरे घरवाले की शादी है डीजे की तैयारी करो निकलो ये लो जी इस शेर बेटे का भी कर दिया उपाय अब करे तुम्हारे ऊपर सुसु ये देखो कितना खुश है जाओ खेडो बस हाँ सैड क्यों है आपके लिए तो ठीक ही है आपको पसंद भी है गगन आई और उसे तो पसंद ही नहीं मैं ओ भाई शादी के गुलाब जामुन ने खा ओ भाई की शादी के गुलाब जामुन ने खा खाले खाले चल ओहो ले भाई प्रभा आज तो दूल्हे ने कुर्ता भी तेरे जैसा पहना है यार तेरा सरबाला तो मेरा बेटा ही बनेगा अच्छा? ना किस लिए वो किया क्या तुम लोगों ने मेरे लिए सरबाला बनेगा हमारा कुकड़ पूरा परिवार ने उछावर कर दिया इन्होंने मेरे लिए नीचे उतार बेटे को फेंक के हुए पैसे उठाएगा बनेगा सरबाला ये ताई हाँ तू इतनी उदास होकर क्यों घूम रही है तो फिकर ना कर हम दोनों शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लेंगे अरे वो क्या होता है वो तो शादी के बाद मुंह नहीं काला करते चुप कर बदमाश शादी हो रही फिर भी शर्म नहीं आती ओ जलंधर ओ बताइए उस्ताद जी मैं बहुत खुश हूँ यार तुझे देखकर किसी की याद आ गई चला जा किसी को मिलने जाना चलो चलो जोची कैसे हो सो गए क्या जरा इधर तो देख किस्मत खुल गई शेर की ये देख कैसे मुझे देखे जा रहा है बातें बनाता था कि शादी नहीं हो सकती कल शादी है शेर की बड़ा आया भविष्य बताने वाला ये देख इधर पुलिस कैसे आगे पीछे घूम रही है एसपी की भांजी के साथ है शादी कोई मजाक नहीं है थोड़ा सा इशारा करूंगा ना इधर ही ड्रम फोड़ देंगे तेरा पहला गुजी ओ लाना था तेरे पे ओ सारी बातें झूठी निकली है उसकी फिर भी उसके पैर पड़े जा रहा है उस्ताद बात सुन ओ तेरी क्या बात सुनूं अरे तू मेरी बात तो सुन ओ सरकार की लाठी पकड़ाओ मुझे आ जाओ ओ रुक जा उस्ताद जी रुक जा
ओ इंस्पेक्टर कह रहा है कि एसपी की भांजी भाग गई है किसी और के साथ, अब तेरी शादी नहीं होनी। सच कह रहे थे ज्योतिष जी। भाग गई मतलब? ओ मतलब ये, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, और नहीं है तुम्हारी किस्मत में। क्यों अपनी किस्मत से पंगे ले रहा है? मेरी भी नींद खराब करती, और जाते वक्त कुंडी लगा देना, रात में अरे गहरे घर में घुसते हैं। बस कर। जलंधर हाँ, ये देख स्टैंडर्ड मेरे ससुराल का, कुड़ी इनकी घर से भाग गई है और ये बैठकर कॉफी पी रहे हैं। ना तुम रेस्टोरेंट में बैठे हो। अब बोलो नॉनसेंस मम्मी, मेरे घर तो पुलिस ऐसे बिठाई थी कि लड़का घर से ही ना भाग जाए कहीं, और खुद की लड़की को नहीं संभाल सके हैं? वो भोले भाले परिवार को भी पता होता है कि जिनका चक्कर चल रहा होता ना, वो दो तीन दिन पहले ही भाग जाती है जी। एब्सोल्युटली राइट, गुड ऑब्जर्वेशन। मेरी बेटी तो मूर्ख है। I am with you, young man. हाँ, young man अब old man से शादी रे चाले, मैं क्या करूँ आपके I'm with you का? लो, यहाँ अकड़ जाग रही है महाराज। ओ भांजी लटका कर चली गई इन्हें, अब थूक लगाने से भी खड़ी नहीं होंगी ये। किसी को फोन फोन किया कि नहीं? Actually बेटा जी, हम नहीं चाहते हमारा मैटर पुलिस में जाए। After all, हमारी डिग्निटी का सवाल है। ओ लड़की, आपकी बागे डिग्निटी अब चीकू की रहेगी आपकी। एक्सक्यूज मी, वो लिख कर गई है कि जब आप शादी ही नहीं करना चाहते तो हम आपको क्यों फोर्स कर रहे हैं? है मैं? वो अगर मैंने शादी ना करवानी होती तो मैं पहला रिश्ता जरूर तोड़वाता जी। What are you saying? रिश्ता तुमने तोड़वाया? लो जी। ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव, मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। आई विल टॉक टू देम। हाँ जमाई, तुम दो इकट्ठे कर लो, लड़की तुम्हारे पास एक भी नहीं। अच्छा, मुझे लगा था किसी ने भगाई है, और वो तो खुद भाग गई। वो कहाँ है उसके साथ जो लड़की थी? ओ इधर आओ जी, फोन लगाओ उसे जल्दी। बोल, एक रॉयल वेडिंग आई है, एक जरूरी मीटिंग करनी है। क्या कर रहा है ये? मैं शिमला जा रही हूँ, मेरा नंबर दे दे। ऐसा जो साहब, चलो शिमला चले, गाड़ी निकालो जल्दी। हा? तुझे मैं दिखाता हूँ शिमला। जलंधर, घर में ना पता चले किसी को। चलो यार, साहब की इज्जत करते हैं हम। ओ साहब की इज्जत के लिए जा रहे हैं, परावा बैठो जल्दी। ओ चल चल, मेरा भी जल्दी कर। ओए जलंधर, चढ़ता कहाँ है? ओ आ रहा है, जरा पार्लर में बैठा फेस मसाज करवा। ओए इस मसाज की क्या जरूरत है? ओ ज्यादा बातें ना बना, डांस कर जल्दी चल। बारी बार सी खट लिया, सी खट के ले आंधे ले रे जब। बोलो चलाको मासी। अंजलीज मदर दिस साइड। हां हां, नमस्ते नॉनसेंस मम्मी। अंजलि को लेकर सीधे घर आ जाओ, सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी कि उसकी शादी तुम्हारे साथ होगी या उसके साथ। बट टाइट स्लैप मम्मी, दिस इज गलत ना? वो तो आराम से सो रहा होगा, और आपकी बेटी को मैं ढूंढ रहा हूँ। शट योर माउथ, जितना कहा जाता है उतना करो तुम। नहीं यार, शराफत का तो कुछ जमाना ही नहीं रहा। ठीक है जी, फिर अंजलि और मैं किसी गुरुद्वारे में शादी कर लेंगे, शादी करने के बाद फिर अगली सवेरे घर आऊंगा जी। बकवास बंद करो, मैं काकू को कहती हूँ कि थानेदार को फोन करके कहे कि वो सीधा गाड़ी लेकर थाने पहुँचे। हैं? थानेदार साहब से फोन ले लूँ? हाँ ले लेता हूँ जी। थानेदार साहब, अपना फोन पकड़ाओ जी। हाँ जी, ले लिया जी। बाहर फेंक दूँ? हाँ बाहर फेंक देता हूँ, कोई ऐसी बात ही नहीं जी। फेंक दिया जी। हाँ जी, हाँ जी, ओके। काकू, वो साहब का ऑर्डर था, साहब की इज्जत करो। खींचो खींचो गाड़ी, खींचो खींचो खींचो। वो किसका आ गया? हाँ जलंधर। हाँ उस्ताद, बनी कोई बात? वो बनाने के लिए मैं उसके लिए ताजमहल बना दूं क्या? यहाँ मैं पागलों की तरह सड़क पे घूम रहा हूँ, तेरे से नाच भी नहीं हो रहा। ओ नाच नाच के तेरे माता पिता के घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाएगी, जल्दी ढूंढ ले। ओ डीजे पर वो गाना लगवा दे, आज मेरे यार की शादी है, साहब को बहुत पसंद है। हाँ हाँ लगवा दे मेरे भाई, लगवा दे, बहुत बढ़िया। चल भाई खींच ले तेज। जेड़ी गिद्दा ना पावे रन पावे, जेड़ी गिद्दा ना पावे रन पावे, चल गई गिद्दा ना पावे रन पावे। जनाब, साहब आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, हेलो। दिस इज टू मच। ये वाला फोन भी फेंक दूं? कोई बात नहीं जी, आप हुक्म करो, फेंक देता हूँ। ये लो,
उन्होंने कहा फेंक दो जी। हाँ जी खा जाओ, खींचो खींचो खींचो। वो थानेदार साहब कैसे पकड़ते चोरों को आप? लड़ाओ कोई तरकीब जी। हमसे इतनी मेहनत नहीं होती जी। चोर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो किसी और को उठा लेते। बहुत अच्छे, आपके हिसाब से मैं किसी और को उठाकर उससे शादी कर लूं हैं? कमाल करते हो। खींचो खींचो आप गाड़ी खींचो। एक तो ये फोन ही नहीं हटते जी। टाइट स्लैप मम्मी। थानेदार अपना फोन क्यों नहीं उठा रहा? उससे कहो अपना फोन उठाए। ए जी वो जी थानेदार कैसे उठाएगा जी, उसे तो कोई किस्मत वाला ही उठाएगा जी। जी हाँ जी हाँ जी, ओके बाय। हेलो, फिर से काट दिया, इसे मैं मार दूंगी टाइट स्लैप मार मार के। ओ खींचो खींचो खींचो। हेलो हेलो, कहाँ है तू? सड़क पे। जल्दी से ना थाने पहुँच। अरे पगली बुलाना है, अच्छी जगह बुला। दिस इज टू मच। लव यू मच। पहली बार किसी का फोन आया वो भी कट गया, बात बनते बनते रह गई। यार इसे देख के दिल में वो बज रहा है यार। गिटार? वो ट्रम्पेट बज रहा है। पा 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 पा। रोक रोक रोक, गड्डी रोक गड्डी रोक। पीछे कर पीछे कर पीछे कर। रोक 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 रोक। आगे कर आगे कर आगे कर। रोक 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 रोक। पीछे ले कर 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 कर। रोक रोक गड्डी रोक। हेलो उस्ताद, 4 बज गए, नहाने की रस्म की तैयारी हो चुकी है। मैंने रात भर सबको नचा नचा के अधमरा कर दिया, अब ये लोग मेरी पिटाई बहुत करेंगे। ओ मिल गई तो टेंशन फ्री हो जा बस। ओ तू बरात भेज वहां से, ओ नहरा धोना मैं ढाबे पे कर लूंगा। ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जरूरी सूचना है जरूरी सूचना है। ताया जी बधाई हो, आपकी बहू मिल गई, रात को भाग गई थी। शुक्र है रब का। ओए हुन बनिया जोड़ियां। तेरे मुझ पर रेल बनाता हूँ, ये तू क्या बोल रहा है? पास कर दिया। पाई लागू जी बुजुर्गो। तू यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? हाँ ये बात भी सही है। ओ इनका पनीर तो प्याज़ा बहुत मशहूर है जी, मैं खाना खाने आया था। देख मैं कोई कबाड़ नहीं जिसे कभी यहाँ फेंक दिया और कभी वहाँ फेंक दिया। अगर मेंढक को कंबल नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, जा मजे कर। तुमसे किसने कहा कि मेंढक को कंबल नहीं चाहिए? सर्दियों का मौसम आ गया, मेंढक तुम्हारा ठंड से ठठर करके मर जाएगा। अच्छा पर मैं क्यों पिटूं 5 दिनों में 25 बार तुमसे, क्या जरूरत है? लो ओ मुझसे तो अपने पैर के नखून तक नहीं काटे जाते जी। ओ मैं तो बस जोक सी कर रहा था जी, सच में थोड़ी ना पीटूंगा। तो तुम जो भाग कर यहाँ पे खा रही हो भटूरे, तो तुम्हारा भटूरा ना बना देता जी मैं। तूने जानबूझकर तोड़वाई ना मेरी शादी। क्यों? वो जरा नैरो माइंडेड आदमी था जी। अरे वाह, ते तू नहीं नैरो माइंडेड? लो मैं तो बिल्कुल नहीं नैरो माइंडेड, मैं तो जी बहुत ओपन माइंडेड हूँ। मेरी तरफ से तू बेशक इसे गले लग जा, मैंने कुछ नहीं कहना जी। देख लो मैं सच में गले लगा लूंगी। मैं कहता हूं जी अभी कर लो। हाँ नहीं ठीक है, लगा लो जी गले, कोई बात नहीं, निकाल लो शक। वो तू भाग यहां से, निकालो तुम्हारा शक। वो आदमी नहीं ठीक लग रहा था जी मुझे। सच सच बोल, क्यों तोड़वाई शादी?
मेरा दिल कहता जी कि अपना अपना एक ही तौलिया होना चाहिए, अपना एक ही टूथब्रश हो जी, कुछ भी बांटा हुआ ना हो जी, जो मेरा वो तुम्हारा, जो तुम्हारा वो मेरा। हर रोज किसी ना किसी बात पे तुम मेरी रेल बना दो जी। तेरे लिए तो मैं नॉनसेंस मम्मी को भी आई लव यू बोल दूं। ओ हुन ले या तू पनीर दो प्याजा। भाई हेलो कहाँ से टपक गया या ब्रो? ओ व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ जी ब्रो, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जी। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। हैं? हाँ, ये तो फन करती फिरती है ढाबे पे, हैं? इसे जरा भी फिक्र नहीं रिश्ता टूटने का। हाँ, कितनी फनी कुड़ी है ये। हाँ हाँ, मैंने तो तेरे को पहले बताया था। अरे ले, वो सब छोड़, पैसे वापस कर। कौन से पैसे? फोटो शूट तो हुआ ही नहीं। हाँ ओहो, मैं आज पर्स ही नहीं लेके आया, कल ले लेना। ठीक है, हार दे दे। हैं? ये तो मेरा वो। हाँ 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 कल। हाँ ठीक है, अब भाई से हार थोड़ी प्यारा है। ये ठीक है जी, थैंक यू। अब निकल भाई। हाँ चाल लो ये आलू के परौंठे लगा। सूट्स का कबर्ड, पार्लर कहाँ है, तेरी वो काम वालियाँ कहाँ हैं? ऐसे झूठे इंसान के साथ मैं एक दिन भी नहीं बिता सकती। मैं जा रही हूँ मायके। तुमने मायके अंडे लेने जाना है? ये नॉनसेंस मम्मी पापा तुम्हारे यहाँ रहते हैं। बेटा ये बचपन से ही बहुत स्टबन है, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। अंजलि स्टॉप इट, अदरवाइज आई विल गिव यू वन टाइट स्लैप। यू आर सो स्वीट नॉनसेंस मम्मी। ओ बेटा जी, अब ये मुझसे थप्पड़ खाएगा। कई शादी नहीं हो रही थी इसकी, अब हो गई है तो कोई कदर नहीं है इस कबूतर को। जुत्ती निकाल के मारूंगा मेरी बहू से कुछ कहा तो। डैडी जी क्यों इसके मुंह लगते हो? अगर कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो चींटे तो खुद पर ही आएंगे ना। ओ तू चुप रह बड़ी सभ्यता वाली, अपने सास ससुर को खिला खिला के फुटबॉल बना दिया तूने। और मेरे सास ससुर भूखे मार दिए तूने कठोर लड़की। तू मेरे साथ शादी करा के खुश है? बहुत। और तू? बहुत ज्यादा। देखा आपने, हम दोनों शादी करवा के बहुत खुश हैं। पर अरेंज लव भागकर रूठों को मनाकर हम किसी भी तरह की शादी को सपोर्ट नहीं करते। सो प्लीज डू इट एट योर ओन रिस्क। 22 जन्म में तो गलती हो गई, अगले जन्म में गधा होगा जो शादी करेगा। सुन ओ आया जी।